हाय गाइस, गुड इवनिंग. कैन यू हियर मी? क्या आपको आवाज़ आ रही है? लेट मी नो, एक बार चैट में यस लिखो. लेट मी नो अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है. ओके, थैंक यू. सो गाइस, विल स्टार्ट द सेशन इन 2 मिनट्स. 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस शशांक, बैक टू दिल्ली. हाँ सागर, आज फुल पावर नेट है, 200 Mbps. आज कुछ गड़बड़ नहीं होगा. गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग रॉनी. ओके गाइस, चलो फिर लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो सेशन स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आपको थोड़ा कुछ डिस्कस करना है आपके साथ, वो डिस्कस कर लेता हूँ. उसके बाद फिर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. मीन वाइल वॉट आई विल डू इज आई विल जस्ट पॉप आउट द चैट ताकि मैं पूरे टाइम आपसे बात कर पाऊँ. एंड या कुछ चीज़ें आपको बतानी है, एक दो अनाउंसमेंट्स हैं वो जल्दी से कर लेते हैं. सो द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज कि हम लोगों ने अपना वीक 1 कंप्लीट कर लिया है प्रोग्राम का और हम लोग आज वीक 2 स्टार्ट कर रहे हैं. तो रिगार्डिंग वीक 1 एक दो चीजें बची हुई है, वो मैं आपके साथ क्लियर कर दे रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, वीक 1 में जितनी भी क्लासेस हुई हैं और जितने भी रिकॉर्डिंग्स मैंने अपलोड किए हैं, वो सब का सब आपको हमारी वेबसाइट पे टाइमलाइन वाले पेज पे मिल जाएगा. मैंने सब कुछ अभी तक जितना भी डाला है सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा. पेड वालों का पेड वाला, फ्री वालों को फ्री वाला, सब कुछ इस पेज के ऊपर क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज फॉर पेड मेंबर्स. पेड मेंबर्स को पता होगा कि मैंने अभी तक आपको टास्क 3, जो लास्ट वीक का टास्क 3 था, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया है. और वो इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग यस्टरडे और आज टाइम नहीं मिला. तो आई हैव प्लान्ड कि कल तक आपको टास्क 3 का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके मेंबरशिप टैब में, ठीक है? पॉइंट नंबर 3, अगर आपको याद होगा तो सैटरडे को आपका एक डाउट क्लियरेंस सेशन हुआ था जिसमें हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे पेड वाले मेंबर्स जो हैं. तो वहां पे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे साथ जितने भी डाउट्स पूछे गए हैं और उनका जो सोल्यूशन है वो आप हमारे साथ शेयर कर दो. तो मेरी टीम ने ये एक गूगल शीट बनाया है जहाँ पे एक तरफ हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पूछे और उसकी दूसरी तरफ हमारे सॉल्यूशंस हैं जो हमारी टीम ने बनाए. और ये ऑलरेडी हमने उन स्टूडेंट्स को भेज दिया है जिन लोगों ने डाउट्स पूछे थे, बट हमने सोचा है कि ये डॉक्यूमेंट है जिसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं आपने जो पूछे थे लास्ट वीक, वो हम आपके साथ मेंबरशिप टैब में शेयर कर देंगे, ठीक है? तो दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज कि अब हम लोग अपना सेकेंड वीक स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ द प्रोग्राम. और लेट मी फर्स्ट टेल यू कि सेकेंड वीक में क्या क्या होगा. सो अगर आप शेड्यूल पे जाओ तो आपको सेकेंड वीक पूरा का पूरा दिख जाएगा. सो आज का जो सेशन है, दिस विल बी अबाउट लिस्ट, ठीक है? प्रीवियसली इट वॉज प्लान कि हम आज ही लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरी सब कवर कर दें. फिर जब मैं कॉन्टेंट बनाने लगा तो मुझे लगा कि नहीं. उसके बाद थर्सडे को पेड मेंबर्स का करियर Q&A सेशन होगा जहाँ पे आप लोग, जो भी लोग पेड मेंबर्स हो, आप लोग मुझे अपने क्वेश्चंस भेजोगे, जो भी आपको डाउट्स हैं अपने करियर को लेकर के, सैलरी को लेकर के, कंपनीज को लेकर के, और मैं आपके साथ एक डिस्कशन करूंगा थर्सडे नाइट, ठीक है? फ्राइडे नाइट वी विल हैव अ स्पेशल सेशन ऑन एरे क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यूज. सो DSA में एरे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो हम लोग एरेज पे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे फ्राइडे नाइट को. अगेन इट इज अ पेड सेशन.
उसके बाद सैटरडे को फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रोवाइड द टास्क सॉल्यूशंस ऑफ दिस वीक, तीन जो टास्क आपको मिलेंगे, और फिर वीक सैटरडे को ही रात में वी विल हैव अ सेशन ऑन डाउट क्लियरेंस प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ वीक टू, ठीक है? तो दिस इज द प्लान. ऑल्सो जो पेड मेंबर्स हैं उनके लिए वीक टू का मैं डाउट क्लियरेंस फॉर्म कल शेयर कर दूंगा. तो इस पूरे वीक में अगर आपको कुछ भी डाउट आएगा तो आप उस फॉर्म में फिल करना, लास्ट वीक वाला काम नहीं करेगा. हम वीक बाय वीक आपको फॉर्म देंगे, आप फॉर्म में फिल करोगे, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है? और लास्ट पॉइंट, स्टार्ट करने के पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि आपके लिए मैं एक कम्युनिटी बनाऊंगा डिस्कॉर्ड पे फॉर बोथ पेड एंड फ्री मेंबर्स. अब पेड वालों का तो बन गया है, फ्री वालों का मैंने अभी तक नहीं बनाया था तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. हमने आपके लिए एक कम्युनिटी बनाई है, अभी जस्ट स्टार्ट की है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है यहाँ पे, बट धीरे धीरे हम चीज़ें ऐड करेंगे. आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कैसे कर सकते हो? बहुत सिंपल है, ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो इस डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन करने का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? ये कम्युनिटी क्यों है? ताकि जितने भी फ्री मेंबर्स हैं वो लोग इसको ज्वाइन कर पाएं, और ज्वाइन करके फिर आप लोग मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, आप लोग डिस्कशंस कर सकते हो टास्क के ऊपर, आप लोग अपना खुद का एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो. और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो वहाँ पर एक सजेशन टैब भी है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो. और अगर आपने कुछ स्टडी रिसोर्सेज पढ़े, लेट्स से आपने कोई अच्छा ब्लॉग पढ़ा या कोई अच्छा वीडियो देखा और वो आप अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप स्टडी रिसोर्सेज वाले में शेयर कर सकते हो. मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो अभी कम्युनिटी है एकदम बेसिक है, इसमें भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बट ट्रस्ट मी हम लोग इसमें इन द कमिंग वीक्स और इम्प्रूवमेंट्स करेंगे. मैं कुछ मॉडरेटर्स ऐड करूंगा और हम इस कम्युनिटी को अच्छा बनाएंगे, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जस्ट ज्वाइन द कम्युनिटी, ठीक है? चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन. आज का जो टॉपिक है वो है पाइथन लिस्ट, और आज जो हम लोग कोड यूज करने वाले हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. कोड उठा लो, ये नोटबुक है, गूगल कोलैब नोटबुक. नोटबुक का नाम है सेशन 4 पाइथन डेटा टाइप्स. इनफैक्ट इसको हम एडिट करके पाइथन लिस्ट लिख लेते हैं फिलहाल, बिकॉज आज हम लोग सिर्फ लिस्ट कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आई गेस जो भी मुझे स्टार्टिंग में बोलना था वो मैंने बोल दिया, आपको समझ में आ गया. किसी को अभी तक कोई डाउट है तो मैं चैट एक बार ओपन कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस करेंगे. मेरा कैमरा फ्रीज कर गया है, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल फिगर इट आउट. कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, जस्ट 1 सेकेंड. क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? कैमरा तो फ्रीज कर गया बट आवाज़ आ रही है, एक बार बताना. गाइस लेट मी नो, आवाज़ आ रही है? हाँ ऑडियो आ रहा है, बस कैमरा फ्रीज कर गया. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट माई कैमरा एंड इट विल टेक जस्ट 2 मिनट्स और रादर 1 मिनट. रियली सॉरी फॉर दिस. ओके गाइस, सो समहाउ कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट. हाँ एग्जैक्टली एक काम करते हैं गाइस, कैमरा ओपन नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं विदाउट कैमरा ही स्टार्ट कर रहे हैं. जस्ट लेट मी नो कि आपको अभी तक ऑडियो आ रहा है, जस्ट राइट ऑडियो आ रहा है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी शक्ल देख के क्या करोगे.
ऑडियो आ रहा है ना? चलो ठीक है गाइस, तो एक काम करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं कल के सेशन तक फिक्स कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम है। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके गाइस, तो हमारा आज का जो गोल है ना, वो है कि हम लिस्ट्स को इतने अच्छे से पढ़े कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, ठीक है? बिकॉज लिस्ट, ट्रस्ट मी, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथन डेटा टाइप जो आप पढ़ोगे। बाकी जो भी आप पढ़ोगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि लिस्ट होता क्या है, ठीक है? उसके बाद हम उसको एरेज के साथ कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि लिस्ट को बनाया कैसे जाता है पाइथन में, उसके आइटम्स को एक्सेस कैसे किया जाता है, उसके बाद एडिट कैसे किए जाते हैं आइटम्स को, डिलीट कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशंस और फंक्शंस आप चला सकते हो। नॉट ओनली दिस, हम लोग आज के सेशन में कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अ टॉपिक लाइक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। वी विल ऑल्सो डिस्कस सम अदर टॉपिक्स लाइक जिप फंक्शन क्या होता है। वी विल ऑल्सो डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन लिस्ट, और फिर लास्ट में हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है? सो बेसिकली गोल हमारा ये है वेबसाइट आज के वीडियो का, सेशन का, कि आपको लिस्ट बहुत अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है? तो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले फॉर बिगिनर्स, अगर आपने कभी लिस्ट का नाम नहीं सुना है, तो लेट्स डिस्कस लिस्ट होते क्या है, ठीक है? तो लिस्ट इज अ डेटा टाइप वेयर यू कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स अंडर वन नेम। मोर टेक्निकली लिस्ट एक्ट लाइक डायनेमिक एरेज, विच मीन्स यू कैन एड मोर आइटम ऑन द फ्लाई, ठीक है? सो सिंपल सी बात है, आपने अभी तक क्या क्या डेटा टाइप्स देखे? आपने देखा इंटीजर, आपने देखा फ्लोट, आपने देखा स्ट्रिंग्स, ठीक है? तो एक और डेटा टाइप हम लोग आज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है लिस्ट। और लिस्ट की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ा खासियत ये है कि लिस्ट में आप एक साथ मल्टीपल चीजों को स्टोर कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। लेट्स से आप मूवीज का सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो रिव्यूज के ऊपर, ठीक है? तो आपके पास 10,000 मूवी रिव्यूज हैं, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि हर मूवी रिव्यू को एक अलग वेरिएबल में स्टोर करोगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो यू वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मेमोरी। तो उससे बढ़िया तरीका क्या है कि सिंस ये सारे मूवी रिव्यूज एक तरह की चीज है, तो हम उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर देंगे। तो जब भी आप मल्टीपल चीजों के साथ काम कर रहे हो जो जनरली एक टाइप की हो, आप उसको लिस्ट में स्टोर करते हो, ठीक है? लिस्ट दिखाई कैसा देता है पाइथन में, जो आपके स्क्रीन पे यहां पर है। लिस्ट ऐसा दिखाई देता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप आइटम्स को ऐड करते हो, दैट इज कॉमा सेपरेटेड, ठीक है? कॉमा सेपरेटेड आइटम्स विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी आप ऐसा कुछ देखो पाइथन में, उसको आप लिस्ट बोलते हो, ठीक है? लिस्ट की जरूरत क्या है प्रोग्रामिंग में, अभी मैंने आपको बताया। जब भी आप बहुत ज्यादा चीजों के साथ काम कर रहे हो जिनका टाइप सेम है, तो उनको आप स्टोर करने के लिए लिस्ट जैसा डेटा टाइप यूज करते हो, काम करना आसान हो जाता है, ठीक है? आपसे किसी ने बोला भाई अपने सारे के सारे जो मूवी रिव्यूज हैं उनको लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो, तो आप बहुत इजीली लूप चला के कर सकते हो। अगर आप सबको अलग अलग वेरिएबल्स में रखते तो आपको फिर अलग अलग वेरिएबल पे जा करके प्रोसेसिंग करना पड़ता, जो कि बहुत ही हेक्टिक काम हो जाता, ठीक है? अब लिस्ट कोई नई चीज नहीं है, अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि बाकी लैंग्वेजेस में भी लिस्ट जैसी एक चीज होती है जिसको आप एरे बुलाते हो, ठीक है? सी की बात कर लो, सी प्लस प्लस की बात कर लो, या जावा की बात कर लो, इन सभी लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगा एरे जैसा डेटा टाइप जिसका काम ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है? बट एरेज और लिस्ट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है? वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि होता है ना, कभी आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हो तो फिर आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ऑल दो दोनों चीजें सिमिलर हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको कुछ डिफरेंसेस बताता हूँ। सबसे पहला जो डिफरेंस है एरेज और लिस्ट के बीच में, वो ये है कि एरेज जो होते हैं वो फिक्स साइज होते हैं। मतलब आपको एरेज को यूज करने के पहले बताना पड़ता है कि आप उसके अंदर कितने आइटम्स को स्टोर करने जा रहे हो। वेयर एज लिस्ट के केस में आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑन द गो कितने भी आइटम्स उसमें ऐड कर सकते हो, देर इज नो लिमिट। यही यहां पर लिखा हुआ है, लिस्ट एक्ट लाइक डायनामिक एरेज। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनामिक एरेज, विच मीन्स यू कैन ऐड मोर आइटम्स ऑन द फ्लाई, ठीक है? तो पहला रिस्ट्रिक्शन क्या है एरे के ऊपर, कि वो फिक्स साइज होता है, आपको पहले ही बताना पड़ेगा, कोड लिखते टाइम बताना होगा। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो आप कुछ ऐसा सिंटेक्स यूज करते हो, लेट्स से इन अ लैंग्वेज लाइक सी,
इफ यू हैव टू डिफाइन एन एरे, आप बोलते हो मुझे एक इंटीजर एरे चाहिए जिसका साइज 50 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले से बोल रहे हो कि मेमोरी में 50 सेल्स या 50 ब्लॉक्स मुझे रिजर्व करके दो, बिकॉज मैं उसको फ्यूचर में यूज करूंगा। ठीक है, अब इस अप्रोच में नुकसान क्या है कि हो सकता है आपको 10 ही आइटम्स की जरूरत हो तो आपके 40 ब्लॉक्स वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिस्ट क्या है, लिस्ट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इन द सेंस आप पहले से नहीं बता रहे हो और आपको जितना आइटम चाहिए उतना आप स्टोर कर पा रहे हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको लिस्ट देता है। सो इन अ वे आप बोल सकते हो कि लिस्ट का ये फायदा है ओवर एरेज। सेकेंड क्या है, सेकेंड पॉइंट है कन्वीनियंस। ठीक है, सो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कह सकते हो लिस्ट के अंदर, एरे के अंदर क्या होता है कि एरेज आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब कि आप एरेज के अंदर हमेशा एक ही टाइप का, मतलब एक ही डेटा टाइप का आइटम को स्टोर कर सकते हो। जैसे अगर इंटीजर एरे है तो आप उसमें सिर्फ इंटीजर्स को ही स्टोर कर सकते हो, कैर एरे है तो आप उसमें सिर्फ कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो, फ्लोट एरे है तो आप उसमें सिर्फ फ्लोट को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बट एक लिस्ट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिस्ट हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब कि आप चाहो तो उसमें अलग अलग डेटा टाइप्स के आइटम्स को स्टोर कर सकते हो। जैसे यहां पर देखो आपने 20 को स्टोर किया है जो इंटीजर है, जैसा को स्टोर किया है जो स्ट्रिंग है 35.75 फ्लोट है, और जो लास्ट आइटम है वो खुद एक स्ट्रिंग है, खुद एक लिस्ट है। ठीक है, तो यू कैन सी लिस्ट आर हेट्रोजीनियस। तो अगेन ये वाला पॉइंट भी लिस्ट को +1 देता है ओवर एरे। ठीक है, बट ये जो फायदे मिले आपको लिस्ट के वो एक्चुअली एक नुकसान के थ्रू आते हैं। ठीक है, पहला नुकसान क्या है पाइथन लिस्ट का, कि स्पीड कम होता है। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन स्पीड जो लिस्ट के ऊपर है, एरे के ऊपर है, वो कम होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेम काम एरेज के थ्रू कर रहे हो और सेम काम लिस्ट के थ्रू कर रहे हो, आपका एरेज वाला प्रोग्राम ज्यादा जल्दी एग्जीक्यूट होगा इन कंपैरिजन टू पाइथन का लिस्ट, या आप सिंपली बोल सकते हो पाइथन लिस्ट आर स्लोअर। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है लिस्ट का। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आपका जो लिस्ट है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में इन कंपैरिजन टू एरेज। ठीक है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सो इन अ वे टाइम ज्यादा लेता है और स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करता है इन कंपैरिजन टू एरेज। तो यू कैन सी यहां पे दो फायदे लिखे हैं मैंने लिस्ट के और दो नुकसान लिखे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर बाद आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा कि लिस्ट मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। ठीक है, तो एक बार मैं चैट ओपन कर रहा हूं, और अभी तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। गाइज लेट मी नो। ओके ठीक है, डोंट वरी गाइज, अभी आपको जो डाउट्स आ रहे हैं ना मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, आई विल क्लियर ऑल दोज डाउट्स, डोंट वरी। सो अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लिस्ट जो होता है वो मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। जैसे ही आप वो समझ जाओगे ना, तो फिर आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूं। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये समझो कि एरेज स्टोर कैसे होते हैं, एरेज का मेमोरी में स्टोरेज कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। होता क्या है, मान लो आप एक एरे बना रहे हो इंटीजर ARR 50, तो आप क्या बोल रहे हो कि मुझे मेमोरी में 50 ब्लॉक्स रिजर्व करके दो, मैं वहां पे 50 इंटीजर्स को स्टोर करना चाहता हूं। होता क्या है कि आप मेमोरी में कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स बनाते हो इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो ये आपका एरे है 1 2 3 4। ठीक है, तो होगा क्या कि आप यहां से स्टार्ट करोगे और यहां पे आप 1 स्टोर करोगे। ठीक है, एक्चुअली 1 स्टोर नहीं होता, 1 का बाइनरी स्टोर होता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कितना बिट पैटर्न है, उतना बिट्स यहां पे स्टोर हो जाएंगे। जहां पे 1 खत्म होगा फिर वहीं से 2 का बाइनरी पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, फिर जहां पे 2 खत्म होगा वहीं पे 3 का बाइनरी पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, और फिर ऐसे करते करते आप सारी चीजों को स्टोर करते हो। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एरे का एड्रेस क्या है, तो बेसिकली ये जो एड्रेस है जहां पे 1 स्टोर्ड है यही आपके एरे का एड्रेस है। ठीक है, तो मेमोरी में एरेज इस तरीके से स्टोर होते हैं।
ठीक है। अब ध्यान से देखो लिस्ट कैसे स्टोर होता है। लिस्ट थोड़ा अलग ढंग से स्टोर होता है। सो लेट्स से आपने बोला कि मुझे 1, 2 और 3 को स्टोर करना है, तो होगा क्या कि सबसे पहले मेमोरी में कहीं पे जाकर के 1 स्टोर हो जाएगा, मान लो वो मेमोरी एड्रेस है 500, ठीक है। फिर मेमोरी में कहीं जाकर के 2 स्टोर हो जाएगा, मान लो उसका मेमोरी एड्रेस है 600, और फिर 3 स्टोर हो जाएगा, मान लो मेमोरी एड्रेस है 700। अब क्या होगा, इन जगहों पे 1, 2 और 3 स्टोर नहीं होगा, यहां का एड्रेस स्टोर होगा 500, 600, 700, ठीक है। और इन मेमोरी ब्लॉक्स का खुद भी कुछ एड्रेस होगा, जैसे ये 1002, 1003। तो ये 1001 पे क्या स्टोर्ड है, 500। 500 क्या है, 1 का एड्रेस। 1002 पे क्या स्टोर्ड है, 600। 600 क्या है, 2 का एड्रेस। और 1003 पे क्या है, 700, जो किसका एड्रेस है, 3 का एड्रेस है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू स्टोर लिस्ट्स, ठीक है। इसको एक टर्म दिया जाता है, इसको बोला जाता है रेफरेंशियल एरे। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली आइटम को यहां पे स्टोर ना करके उस आइटम के रेफरेंस या फिर मोर टेक्निकली पॉइंटर को स्टोर कर रहे हो, एड्रेस को स्टोर कर रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, ये पॉइंट मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मीनवाइल एक बार मैं चैट पे फिर से जा रहा हूं। वीडियो चल रहा है सही से, एक बार फिर से बताना वीडियो चल रहा है सही से, सो दैट मैं कंटिन्यू करूं, बिकॉज पता नहीं यार क्या हो रहा है, 160 Mbps का स्पीड है बट चल ही नहीं रहा है सही से। ओके ठीक है, चलो वीडियो इज गुड, लेट्स स्टार्ट। तो ध्यान से देखो, मैं आपको एक चीज प्रूव करके दिखाता हूँ कि सच में ऐसा होता है। सो आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग पेड वाले मेंबर्स हो, बट पेड क्लास में मैंने एक ऑपरेटर, एक फंक्शन बताया था, आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन क्या करता है कि वो किसी भी चीज का मेमोरी एड्रेस प्रिंट करता है। जैसे अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल टू 2, और अगर मैं लिखूं प्रिंट आईडी ऑफ 2, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ए का मेमोरी एड्रेस या फिर 2 का मेमोरी एड्रेस, दोनों सेम बात है, बिकॉज ए राइट नाउ इज पॉइंटिंग टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ 2, तो बेसिकली दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। बट मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आईडी करता क्या है, आईडी आपको मेमोरी एड्रेस बताता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मान लो हम एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें 1, 2 और 3 है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रिंट कर रहा हूं आईडी ऑफ एल, मैं प्रिंट कर रहा हूं आईडी ऑफ एल का 0। एल का 0 का मतलब हुआ पहला आइटम, ये हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, इंडेक्सिंग जैसे हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था, लिस्ट भी फॉलो करता है। प्रिंट आईडी ऑफ एल का 1, प्रिंट आईडी ऑफ एल का 2, ठीक है। और देखो मैंने इसको रन किया, कैन यू सी, ये एड्रेस, ये एड्रेस, ये एड्रेस तीनों अलग है और ये एड्रेस भी अलग है। अब ध्यान से देखना मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, मैं प्रिंट कर रहा हूं आईडी ऑफ 1 की 1 मेमोरी में कहां स्टोर्ड है, प्रिंट आईडी ऑफ 2 मतलब मेमोरी में 2 कहां स्टोर्ड है, प्रिंट आईडी ऑफ 3 मतलब मेमोरी में 3 कहां स्टोर्ड है। और अब देखना क्या हो रहा है, ये नंबर देखो, ये नंबर देखो, ये नंबर देखो, फिर ये नंबर देखो, ये नंबर और फिर ये नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। आई विल जस्ट मिनिमाइज दिस विंडो थोड़ा सा एंड आई विल एक्सप्लेन क्या हो रहा है यहां पे। देखो यहां पे सो हो क्या रहा है कि हमने एक लिस्ट फॉर्म किया, ठीक है। अब इस लिस्ट का यहां पे जो एड्रेस है वो है 3376, जो ये लास्ट के 4 नंबर मैंने लिख दिए, पूरा नहीं लिखा, ठीक है। अब यहां पे क्या स्टोर हो रहा है, 688, ठीक है। 688 क्या है, मैंने लास्ट के 3 नंबर यूज किए हैं, और यहां पे स्टोर हो रहा है 720, और यहां पे स्टोर हो रहा है 752, ठीक है। और यहां पर आप एक्चुअली देख सकते हो कि यहां पे 1 स्टोर्ड है 688 पे, यहां पे 2 स्टोर्ड है 720 पे, और यहां पे 3 स्टोर्ड है 752 पे, ठीक है। ये देखो, तो जब आपने आईडी ऑफ लिस्ट प्रिंट किया तो ये वाला मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो गया जहां पे 688 स्टोर्ड है, ठीक है।
और 688 है क्या? वन का मेमोरी एड्रेस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये है कि ये रेस्ट्रिक्शन हट जाता है कि आपको होमोजीनियस ही रखना है, क्योंकि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप यहां पर इंटीजर तो स्टोर कर नहीं रहे, आप तो एड्रेस स्टोर कर रहे हो। तो कल को मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पर एक कैरेक्टर ले सकता हूं, लेट्स से कैरेक्टर यहां पे 500 पे था, और मैं क्या कर सकता हूं इस 752 को हटा सकता हूं, 752 को हटा सकता हूं, और यहां पर आई कैन राइट 500। तो बेसिकली अब लिस्ट में क्या क्या आ गया, लिस्ट में आ गया वन, लिस्ट में आ गया टू, और लिस्ट में आ गया ए, ठीक है। बट अगर आप यहां पे देखो, इस एरे में देखो, तो इस एरे में अभी भी जो तीनों आइटम्स हैं वो एड्रेसेस ही हैं, विच इज अलाउड। एरे के अंदर हमेशा सेम टाइप के आइटम्स होने चाहिए, तो एरे के अंदर अभी भी ऑब्जेक्ट के ही एड्रेसेस हैं, विच आर ऑलवेज सेम। बट सिंस हमने ये रेफरेंसिंग यूज किया, उसका आउटपुट क्या हुआ कि आप अलग अलग टाइप के आइटम्स को स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का जो एरे होता है इसको बोला जाता है रेफरेंशियल एरे, ठीक है। बट यू कैन क्लियरली सी यू आर टेकिंग अप एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस भी ले रहे हो। और कभी किसी ने बोला कि भाई लिस्ट का पहला आइटम निकाल के बताओ, तो आप पहले यहां जाओगे, फिर इस एड्रेस को खोज के मेमोरी में जाके इस एड्रेस को यहां खोजोगे, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लेता है। तो यू कैन सी यू आर स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्स्ट्रा स्पेस। बट फायदा क्या हुआ कि आप इसी जगह पे मल्टीपल टाइप की चीजों को स्टोर कर सकते हो, तो इसी को बोला जाता है रेफरेंशियल एरे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज पूछता हूं, और एक्चुअली बताता हूं कि फिक्स साइज होने से कैसे रोक सकते हैं। एरेज हमेशा फिक्स साइज होते हैं, बट हमारा जो एरे है वो डायनामिक एरे है। डायनामिक एरेज क्या होते हैं, वो ऑन द गो आप उसमें कितने भी आइटम्स को स्टोर कर सकते हो, देर इज नो लिमिट, ठीक है। और पाइथन का जो लिस्ट है वो एक डायनामिक एरे है, उसमें आप कितने भी आइटम्स को स्टोर कर सकते हो ऑन द गो, ठीक है। पर कैसे वो मैं आपको बताता हूं। सो होता क्या है कि आप एक फिक्स्ड एरे से स्टार्ट करते हो, मान लो आपने स्टार्ट किया, तीन आइटम स्टोर कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो आपने पहला आइटम स्टोर किया, दूसरा आइटम स्टोर किया, तीसरा आइटम स्टोर किया, जैसे ही फोर्थ आइटम आया तो आप नोटिस कर रहे हो भाई ये तो एरे फुल हो चुका है। तो आप क्या करते हो इंटरनली, या डायनेमिक एरे क्या करता है इंटरनली, कि वो एक नया एरे बनाता है जिसका साइज डबल है। जैसे ये एरे है ए है, तो ये बी बन गया, इसका साइज डबल है। अब वो क्या करेगा, आइटम्स को कॉपी करेगा, पहले वाले को पहली जगह पे, दूसरे वाले को दूसरी जगह पे, तीसरे वाले को तीसरी जगह पे, और फिर जो चौथा आइटम आया है उसको यहां पे डाल देगा। फिर मान लो पांचवा आइटम आया तो उसने उसको यहां पे डाल दिया, फिर छठा आइटम आया उसने उसको यहां पे डाल दिया। अब जैसे ही सातवां आइटम आया तो फिर से जगह कम पड़ गई, तो आप फिर से एक एरे बनाओगे डबल द साइज। डबल द साइज करना है या कितना साइज करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि यू कैन एक्चुअली प्रोग्राम इट इफ यू वॉन्ट। फिर से आप क्या करोगे, कॉपी कर दोगे सब कुछ, ठीक है, और फिर जो सातवां आइटम है उसको यहां ले आओगे, आठवें को यहां ले आओगे, नौवें को यहां ले आओगे, दसवें को यहां ले आओगे। फिर जैसे ही 13th आइटम आएगा आप ये काम रिपीट करते जाओगे, और इसी को बोला जाता है डायनामिक एरे। और यही वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो लिस्ट है वो कितने भी आइटम्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो आई विल गो बैक टू दीज पॉइंट्स, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। फिक्स्ड वर्सेस डायनामिक एरे आपको समझ में आ गया, बाकी लैंग्वेजेस में फिक्स्ड होता है, पाइथन में डायनामिक होता है। क्यों? क्योंकि आप डबल मार के कॉपी करते हो, डबल मार के कॉपी करते हो, ठीक है। कन्वीनियंस हेट्रोजीनियस क्यों होता है, बिकॉज हम रेफरेंशियल एरे यूज करते हैं, हम डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर नहीं करते, हम उसके एड्रेस को स्टोर करते हैं। और हम अगर एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं तो हम किसी भी चीज के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, हम फ्लोट के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, हम इंटीजर के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बट अब समझो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन क्यों घट गया, बिकॉज खुद अगर आप समझो, अगर मान लो यही हो रहा है बार बार, आप डबल कर रहे हो और फिर कॉपी कर रहे हो, तो इसमें टाइम लगेगा ना भाई, तो वो टाइम की वजह से पाइथन का लिस्ट स्लो हो जा रहा है। सिमिलरली आपका मेमोरी ज्यादा खा रहा है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो यहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डबल करते जा रहे हो, डबल करते जा रहे हो। कई बार ऐसा होगा कि आपने बहुत डबल कर दिया और आपने यूज नहीं किया, दैट इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो बेसिकली दोनों चीजें रिड्यूस हो जाती हैं, आपका टाइम ज्यादा लेता है, स्पेस भी ज्यादा लेता है, उस हिसाब से खराब है। बट दो फायदे हुए, कन्वीनियंस बढ़ गया प्रोग्रामर का, और सेकेंड आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ
आइटम्स को ऐड कर सकते हो एक लिस्ट के अंदर। तो यही डिफरेंस है भाई, अगर आपसे कोई पूछ ले एरेज और लिस्ट के पीछे क्या डिफरेंस है, यही आपको समझाना है। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, लेट मी नो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट 10 मिनट्स, प्लीज लेट मी नो कि समझ में आया। कोई बोल रहा है डायनेमिक एरे प्लीज रिपीट। देखो यार, डायनेमिक एरे का फंडा बहुत सिंपल है। यार देखो, डायनेमिक एरे बहुत सिंपल है। आप एक फिक्स साइज एरे से स्टार्ट कर रहे हो और आइटम्स को ऐड कर रहे हो। जैसे ही आपका साइज मतलब पूरा फिल हो गया ये एरे, तो आप क्या कर रहे हो, एक नया एरे बना रहे हो, डबल द साइज ऑफ द प्रीवियस एरे। फिर उसमें आइटम्स ऐड कर रहे हो कॉपी करने के बाद, जब ये भी भर जा रहा है तो फिर आप प्रोसेस को रिपीट करते जा रहे हो। दैट्स इट। मतलब एल्गोरिथमिकली इट्स वेरी सिंपल। कोड करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट आपको करने की जरूरत नहीं है कोड, बिकॉज लिस्ट तो पहले से आपके पास है ही, तो फिर आपको खुद से तो बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल दो अगर आप बोलोगे तो आई कैन शेयर अ कॉन्टेंट विथ यू जहां पे मैंने स्क्रैच से ही पूरा कोड लिखा है। लेट मी नो यार अगर आपको और कोई डाउट है तो। और बाकी टेंशन मत लो, चैट में हमारे बंदे हैं तो आपके क्वेश्चंस वो लोग देख रहे हैं, अगर मैं आंसर नहीं कर पाया तो वो लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। यार ये नेट क्यों फंस रहा है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। प्रजापति सिंह प्रैक्टिकल करके बताओ ना, बता सकते हैं प्रजापति। द ओनली थिंग इज कि इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अराउंड आधे 1 घंटे 45 मिनट का कोड होगा। उससे बढ़िया है आई कैन शेयर अ वीडियो ऑफ माइन, मेरे ही चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ करके बताई है। मैंने खुद का एक ये पूरा डायनेमिक एरे बनाया है, खुद का लिस्ट बनाया। ठीक है, असद इज सेइंग व्हाई वी ऑलवेज डबल द एरे। डबल करना जरूरी नहीं है, डबल नहीं भी करो आप क्या करो, हर बार 10 से बढ़ा दो, वो आपके ऊपर है। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। इट डज नॉट मैटर एक्चुअली, डिपेंड्स ऑन यू आप कैसे काम कर रहे हो। राघवेंद्र सिंह सर, इट इज डायनेमिक देन वाई मेमरी इज वेस्टेज, बिकॉज अगर आप डबल कर रहे हो लेट्स से और आप फिर बहुत कम यूज कर रहे हो सेकेंड वाले एरे का, तो फिर थोड़ा वेस्टेज है। और बाकी आप ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हो अलग जगह पे जाके, तो उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, कार्तिक इज सेइंग नंपाई एरे बेस्ड ऑन दिस लिस्ट। नहीं, लिस्ट और नंपाई एरेज आर नॉट रिलेटेड। इनफैक्ट नंपाई एरेज की जरूरत इसीलिए पड़ी बिकॉज पाइथन का लिस्ट इज एक्चुअली स्लो और ज्यादा वैल्यू लेता है। अभिषेक इज सेइंग कैन वी से एरेज आर स्टैटिक एंड फिक्स्ड इन अदर लैंग्वेजेस देन दैट ऑफ पाइथन। हाँ, मतलब अलग ही है। चलो गाइस, एक काम करते हैं, डोंट वरी, हमारे बंदे हैं चैट में, वो आपको हेल्प कर देंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था, अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आ जाएगा समझ में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिस्ट की याद रखनी है, हमेशा आपको बहुत हेल्प करेगी। पहली चीज़ क्या है कि लिस्ट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड होने का मतलब क्या है कि आइटम्स का जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, बट ये याद रखना कि मान लो आपके पास एक लिस्ट है 1 2 3, और आपके पास एक और लिस्ट है L1 जिसमें है 3 2 1। दीज टू लिस्ट आर नॉट सेम। मतलब आपको हंसी आ रही होगी ये बात सुन के, बट प्रोग्रामिंग में हर चीज को क्लियर करना होता है। अरे क्या कर दिया मैंने, जस्ट 1 सेकेंड, मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या L1 L2 के बराबर है? नहीं है। क्यों? भले ही आइटम सेम है बट ऑर्डरिंग सेम नहीं है, दैट इज वाई बोथ लिस्ट आर नॉट सेम। तो हमेशा याद रखना ऑर्डर मैटर करता है, किस ऑर्डर में आइटम स्टोर्ड हैं वो मैटर करता है। ठीक है, सेकेंड क्या है कि एरे के जो आइटम्स होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, उनको आप म्यूटेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो मैं यहाँ पे 1 के बदले 100 कर सकता हूँ। इट इज अलाउड बिकॉज पाइथन का जो लिस्ट है इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, अनलाइक पाइथन का स्ट्रिंग जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था वो इम्यूटेबल है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन पाइथन के लिस्ट में कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा। अगला है हेट्रोजीनियस, विच मीन्स कि आप लिस्ट के अंदर यू कैन एड मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, आप अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, जैसा मैंने आपको दिखाया, ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस लिस्ट, दिस इज अलाउड। ठीक है, फोर्थ नंबर, आइटम्स कैन बी डुप्लीकेट्स। मतलब ऑब्वियस है बट फिर भी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि मैं चाहूं तो यहां पर
एक और वन ऐड कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरेज कैन लिस्ट कैन हैव डुप्लीकेट आइटम्स, ठीक है। आर डायनामिक, डायनामिक का मतलब आप जैसे जैसे आइटम्स ऐड करते जाओगे वो अपने आप अपना मेमोरी बढ़ाते जाएगा, ठीक है। आप कितने भी आइटम्स ऐड कर सकते हो। कैन बी नेस्टेड, कैन बी नेस्टेड का मतलब आप लिस्ट के अंदर एक लिस्ट डाल सकते हो, जैसा यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर एक दूसरा लिस्ट है, तो नेस्टिंग हो सकता है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, आइटम्स कैन बी एक्सेस्ड, मतलब अगर मैं चाहूं तो इस लिस्ट के अंदर से इस थ्री को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, थोड़ी देर बाद मैं आपको करके दिखाता हूं। एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर मैं ये भूल जाऊं आगे एक्सप्लेन करना तो गाइज प्लीज मुझे याद दिलाना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप पाइथन में किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट को लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर मैं भूल जाऊं इसका डेमो दिखाना थोड़ी देर के बाद क्लास खत्म होने के पहले, प्लीज रिमाइंड मी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट, ठीक है। हम सीखने जा रहे हैं कि आप पाइथन के लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक एक बार फिर से चैट पे जा रहा हूं एंड लेट मी नो गाइज कि आपको अभी भी मतलब जस्ट टाइप नो लैग या वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लेट मी नो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जस्ट लेट मी नो एवरीथिंग इज क्लियर एंड वी आर फाइन टू मूव अहेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले गाइज आई वुड जस्ट ट्राई वन थिंग, जस्ट वन थिंग, मेरे पास एक लैपटॉप में भी कैमरा है तो आई कैन यूज दैट कैमरा, आई विल जस्ट चेक हो पा रहा है कि नहीं, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ओके, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, लेट मी नो गाइज एम आई विजिबल, मैं दिखाई दे रहा हूं क्या, एम आई विजिबल? ओके, मेरा फेस नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्या? ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली दूसरा कैमरा यूज़ कर रहा था और वो एक वायरलेस कनेक्शन के थ्रू है तो फिर वो कुछ गड़बड़ हो गया, तो मैंने अपने लैपटॉप का ही वेबकैम यूज़ कर लिया है। ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत घटिया है बट एटलीस्ट आप मुझे देख पाओगे, ठीक है। तो बट द कैमरा साइज इज लार्ज, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, कैमरा साइज को एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा और कम कर देते हैं, इज इट फाइन नाउ? आई गेस इट इज़ फाइन, ठीक है। जस्ट लेट मी नो ये सेटिंग सही है ना? ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस, आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स क्रिएट अ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्रिएट करना सीखते हैं सबसे पहले, तो मैं आपको अलग अलग टाइप के लिस्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हाउ कैन यू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्या होता है? एक ऐसा लिस्ट जिसके अंदर कोई आइटम नहीं है। बहुत सिंपल है, आप बस ये कोड लिखो, प्रिंट दिस थिंग, ठीक है। आपने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, अंदर कुछ भी नहीं डाला। अब आपने इस कोड को जैसे ही रन किया यू वुड सी कि आपको एक एम्प्टी लिस्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज करते हो। अगला है वन डी लिस्ट। वन डी लिस्ट इज बेसिकली अ लिस्ट जहां पर कोई और दूसरा लिस्ट नहीं है, ठीक है। लेट मी शो यू अ वन डी लिस्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको मैं रन कर रहा हूं, क्या किया मैंने, जस्ट वन सेकेंड, ये पूरी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी। ये देखो, दिस इज अ वन डी लिस्ट एंड ऑल्सो दिस इज अ होमोजीनियस लिस्ट, दिस इज अ होमोजीनियस लिस्ट, ठीक है। वाई? बिकॉज इसके सारे आइटम्स सेम डेटा टाइप के हैं, इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट इज टू डी लिस्ट। सो टू डी लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है जिसके अंदर एटलीस्ट एक और लिस्ट होता है, नेस्टेड लिस्ट भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। लेट मी शो यू। सो मैंने लिखा प्रिंट 1, 2, 3, 4, 5 और मैंने इसको रन किया एंड यू कैन सी आपके स्क्रीन पे जो अब दिखाई दे रहा है ये एक होमोजीनियस लिस्ट है, ठीक है। ऑल्सो क्विकली टेल मी, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, चैट में आंसर करना, ये जो थर्ड लिस्ट है ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं, इज इट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? थर्ड वाला टाइप करके बताओ, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? क्विक क्वेश्चन। यस, करेक्ट आंसर, सही बोल रहे हो आप लोग, दिस इज हेट्रोजीनियस। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सारे अंदर नंबर्स हैं तो होमोजीनियस है, नहीं, अंदर सारे नंबर्स नहीं हैं,
इस लिस्ट के अंदर देर आर फोर आइटम्स, थ्री ऑफ विच आर इंटीजर्स एंड द फोर्थ वन इज अ लिस्ट। ठीक है, तो तीन इंटीजर्स हैं और एक लिस्ट है, इसलिए हेट्रोजीनियस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट मी शो यू थ्री डी लिस्ट कैसा दिखता है। थ्री डी लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, मैं आपको एक बना के दिखाता हूं। मान लो हमारे पास एक लिस्ट है 1, 2। जस्ट वन सेकेंड, एक बार थोड़ा क्लियरली बनाते हैं। बाहर वाली लिस्ट के अंदर दो आइटम्स हैं, दोनों लिस्ट हैं। फिर जो पहला लिस्ट है उसके अंदर फिर से दो आइटम्स हैं, 1, 2, 3, 4। और फिर जो सेकेंड वाली लिस्ट है उसके अंदर फिर से दो आइटम्स हैं, दोनों फिर से लिस्ट है। और ये देखो गाइस, ये जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ 3D लिस्ट। कैसे समझ में आए? जल्दी से अगर आपको समझना है तो आप ये काउंट करो कि कितने ब्रैकेट्स खुले और कितने ब्रैकेट्स बंद हुए। जितने ब्रैकेट्स खुले उतने डायमेंशन का लिस्ट है। जहां यहां पे तीन ब्रैकेट्स खुले हैं, तीन डायमेंशन का ये लिस्ट है। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, आई गेस समझ में आ रहा है। लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, आप कितना भी जा सकते हो, बट जनरली आई डोंट थिंक आपसे कोई एक सवाल पूछेगा, फालतू में कोई परेशान नहीं करेगा, ये बस अंडरस्टैंडिंग की बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3D लिस्ट। ठीक है, अच्छा फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये जो लिस्ट है 3D वाला, ये हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है? जल्दी से आंसर करो, हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है? क्विक आंसर। गाइज, एम आई ऑडिबल? जल्दी से आंसर बताओ, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? इसमें आप कंफ्यूज हो गए क्या? दिस इज अ होमोजीनियस लिस्ट यार, दिस इज अ होमोजीनियस लिस्ट। ये देखो हो क्या रहा है, अगर आप सबसे बाहर वाले लिस्ट को पकड़ो, सबसे बाहर वाले ब्रैकेट को पकड़ो, तो उसके अंदर दो ही आइटम्स हैं। एक आइटम है ये और एक आइटम है ये, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों है 2D लिस्ट, तो इसीलिए ये होमोजीनियस है। कंफ्यूज मत हो, आप बस हमेशा ये देखो कि बाहर वाले लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स हैं क्या वो सेम है, सेम टाइप के हैं। अगर सेम टाइप के हैं तो होमोजीनियस है। ठीक है, तो दिस इज अ होमोजीनियस लिस्ट। लेट मी शो यू अ हेट्रोजीनियस लिस्ट, प्रॉपर हेट्रोजीनियस लिस्ट। प्रिंट 1, 2, 5.6, 5+6J। हेलो, ये रहा हमारा हेट्रोजीनियस लिस्ट। अरे बार बार आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक, जस्ट वन सेकेंड। ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा गाइस, एंड दिस इज अ हेट्रोजीनियस लिस्ट जो आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, एंड लास्टली देर इज वन मोर वे यूजिंग विच यू कैन क्रिएट अ लिस्ट, एंड दैट इज टाइप कन्वर्जन। ठीक है, लेट मी शो यू। लेट से मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट ऑफ, जैसे str फंक्शन होता है, जैसे int फंक्शन होता है, जैसे float फंक्शन होता है, वैसे list फंक्शन होता है, और वहां पे मैंने लिख दिया हेलो। और अब मैं जैसे इसको रन कर रहा हूं, ये टाइप कन्वर्जन फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, हर कैरेक्टर को ब्रेक करेगा और अलग अलग आइटम बना देगा, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। तो ये हो गया लिस्ट क्रिएट करने के तरीके। ठीक है, हमने देखा एम्प्टी लिस्ट, हमने देखा 1D, 2D, 3D, हेट्रोजीनियस और टाइप कन्वर्जन के थ्रू आप लिस्ट कैसे बनाते हो, ये हमने देखा। ठीक है, चैट ओपन कर रहा हूं, लेट मी नो डाउट है तो बताओ। चलो फिर 5+6J ब्रैकेट में इसलिए बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वैसे ही डिस्प्ले किया जाता है पाइथन में। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज कि अगर आपके पास एक लिस्ट है तो हम सीखेंगे उस लिस्ट के अंदर से आइटम्स को कैसे फेच किया जाता है। ठीक है, तो दो तरीके हम लोग पढ़ेंगे, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ठीक है, और गेस व्हाट, ये बिल्कुल सेम है जो आपने पाइथन स्ट्रिंग्स में पढ़ा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, पाइथन का बेस्ट पार्ट यही है ना कि पाइथन इज वेरी कंसिस्टेंट। अपना जो सिंटेक्स है ना पाइथन में, वो चेंज नहीं होता। आप स्ट्रिंग पढ़ो, उसके बाद आप लिस्ट पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बिल्कुल लिस्ट की तरह, स्ट्रिंग की तरह ही काम कर रहा है। तो जो जो सिंटेक्स है ना पाइथन का, वो बहुत कंसिस्टेंट है, और उसकी वजह से क्या होता है, सीखना आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ऊपर से, ऊपर से नहीं ले पा रहे, तो चलो एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और
अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस लिस्ट के आइटम्स को आप फेच कैसे कर सकते हो यूजिंग इंडेक्सिंग। तो दो तरह की इंडेक्सिंग हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स की तरह, पॉजिटिव नेगेटिव। पहले मैं आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग दिखाता हूं। सो अगर आप प्रिंट करो एल का जीरो तो आपको मिल जाएगा वन, ठीक है? इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्यों बोल रहे हो आप? बिकॉज आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर भेज रहे हो वो पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए इसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग बोला जाता है। एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग की पहचान क्या है कि वो लेफ्ट से राइट जाता है, ठीक है? पहला पहचान क्या है, लेफ्ट से राइट जाता है, और सेकेंड जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है? हमेशा जो पहला आइटम होगा उसको फेच करने के लिए आप जीरो लिखोगे, ठीक है? अगर आपने यहां पे लिखा होता लेट्स से थ्री, तो आप कौन सा आइटम निकलता, फोर, बिकॉज दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, ठीक है? अगर आप कोई ऐसा आइटम दे दो जो है ही नहीं, तो आपको इंडेक्स एरर आ जाएगा और बोलेगा लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। सिंपल वर्ड्स में इतने आइटम्स ही नहीं है जो आप इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? इसका ठीक ऑपोजिट होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। मैंने आपको स्ट्रिंग्स में भी पढ़ाया था, नेगेटिव इंडेक्सिंग में आप एक नेगेटिव नंबर भेजते हो, नेगेटिव इंटीजर भेजते हो, और वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है और माइनस वन से स्टार्ट होता है। सो अगर आप ये लिखो माइनस वन तो आपको मिल जाएगा फाइव, अगर आप लिखो माइनस थ्री तो आपको मिल जाएगा थ्री, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको स्ट्रिंग में ये बात समझ में आ गई तो आपको लिस्ट में भी समझ में आ जाएगी, देर इज नथिंग डिफरेंट, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पर एक नई चीज जो मुझे आपको दिखानी है वो ये है कि अगर 2D लिस्ट है मान लो, तो फिर इंडेक्सिंग कैसे काम करेगी, ठीक है? जैसे कि लेट्स से हमारे पास एक 2D लिस्ट है, 1 2 3 कॉमा 4 5, हमें क्या करना है, हमें इस 4 को निकालना है, ठीक है? हम इस 4 को निकालना है। तो अगर आप लेट्स से ये लिखो माइनस वन, तो बेसिकली मैं लास्ट आइटम को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, और मैं इसको रन करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये पूरा का पूरा लिस्ट, बिकॉज ये पूरा लिस्ट इज द लास्ट आइटम, तो मुझे 4 चाहिए, वो तो मेरा काम नहीं हुआ सॉल्व। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो लिस्ट है इसके भी अंदर घुसूंगा, ठीक है? और मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा -2। सो इस लिस्ट में, अंदर वाली लिस्ट में -1 क्या है, 5, और -2 क्या है, 4। अब आप इसको रन करोगे तो आपको मिल जाएगा 4। ये सेम काम आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग से भी कर सकते थे। ये देखो आप क्या करते, आप लिखते 3 और फिर यहां पे लिखते 0। 3 क्या है, 0 1 2, और ये पूरी चीज क्या है, 3, और इस 3 के अंदर कौन सा आइटम, जीरो वाला। अब आप इसको जैसे ही रन करोगे यू वुड गेट 4। आया समझ में 2D में कैसे काम करना है? अगर 2D है तो आपको इंडेक्सिंग करते टाइम दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने, ठीक है? तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है 3D का, ये जो लिस्ट मैंने ऊपर बनाया था मैं इसको कॉपी कर रहा हूं और यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, और अब मेरा टास्क है ये 5 निकालना, ठीक है? सबसे पहले ये 3D है तो मतलब आपको तीन स्क्वायर ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, लेट मी शो यू। सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 0, लिस्ट का 0। जैसे मैं लिस्ट का 0 लिख रहा हूं, ये देखो मुझे ये मिल रहा है, दिस पार्ट ऑफ द लिस्ट। बाहर वाली लिस्ट में दो आइटम्स हैं, पहला आइटम ये है, बट मुझे इसमें तो 5 नहीं मिलेगा, तो मैंने लिखा 1, तो ये मिल गया मुझे। अब ये एक 2D लिस्ट है जिसमें दो आइटम्स हैं और दोनों लिस्ट है, तो मैं क्या करूंगा, 5 वाले के लिए फिर से ये लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट 0। अब देखो मुझे क्या मिल गया, 5 6। अब मैं फिर से क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 0, और अब देखो मुझे क्या मिल रहा है, 5, ठीक है? एक और मैं आपको करके दिखाता हूं, मुझे चाहिए 3। तो सबसे बाहर वाले के रिस्पेक्ट में मुझे 0th आइटम में घुसना है, फिर उससे 1 वाले आइटम में घुसना है, और फिर उससे 0 वाले आइटम में घुसना है, और मुझे मिल जाएगा 3, ठीक है? अब क्विक क्वेश्चन आपके लिए, आपको निकाल के बताना है 2, तो जल्दी से टाइप करके बताओ क्या लिखोगे, 2 निकालना है, टाइप करके बताओ व्हाट वुड बी योर आंसर 2 के लिए। केयरफुली देखो, बाहर से अंदर की तरफ घुसो। संजय सिंह 001, काफी लोग 001 बोल रहे हैं, जल्दी से बाकी लोग भी बताओ। सही बात है, सही आंसर, देख लो एक बार। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे 0, जैसे आप 0 लिखोगे तो फिर आपको पहला लिस्ट मिल जाएगा, फिर आप लगाओगे एक और 0, उससे फिर उसका भी पहला आइटम मिल जाएगा,
और फिर आप लगाओगे वन और उससे आपको लास्ट वाला आइटम मिल जाएगा एंड दैट्स इट। यही होता है इंडेक्सिंग में। ये सेम काम आप नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी कर सकते हो, पॉजिटिव से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। बट द बेस्ट पार्ट इज कुछ नया नहीं है, कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, जो आपने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था वही यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। बस इतना याद रखना जितने डायमेंशन की लिस्ट के साथ काम कर रहे हो उतने स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे बहुत केयरफुली, बाहर से अंदर जाना गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? जब आप अपने लिस्ट के अंदर से एक साथ मल्टीपल आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे लिस्ट के पहले तीन आइटम्स बाहर निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 0 से लेकर के 3 तक। क्या क्या बाहर निकल जाएगा? 0th आइटम, 1st आइटम, 2nd आइटम, ये रहा हमारा आंसर 1 2 3, ठीक है। ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर रहा हूं, नहीं तो बार बार वो प्रिंट होगा, ठीक है। लेट्स से मुझे चाहिए है लास्ट के 3 आइटम्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा -1, एक्चुअली मैं लिखूंगा -3। अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूंगा तो लास्ट आइटम प्रिंट नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाला इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये -1 लिखूंगा ही नहीं, तो लास्ट तक चला जाएगा और 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आता है जहां पे आप जंप्स ले सकते हो, ठीक है। तो मान लो मुझे 1 3 और 5 प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से एकदम आखिरी तक जाऊंगा, एंड तक, ठीक है। 0 से एकदम एंड तक जा रहा हूं, पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, हर ऑल्टरनेट आइटम को निकाल रहा हूं कोलोन 2 लगा के। तो अब क्या होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट नहीं होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट नहीं होगा, एंड सो ऑन, एंड दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। तो ये स्टेप वाला शायद आपको पता है कैसे काम करता है। बिल्कुल सेम चीजें हम पढ़ रहे हैं जो हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था। अगर आपको वहां पे समझ में आ गया, नथिंग इज डिफरेंट हियर, ठीक है। आप ये सेम काम नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी कर सकते हो। लेट मी शो यू। अगर मैं लिखूं -5 से -2:2, तो क्या प्रिंट होगा, 2 4, ठीक है। -5 क्या है, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5। -5 से कहां तक जा रहे हो आप, -2 तक, -5 -4 -3 -2। अब इसमें भी आप ऑल्टरनेट चीजें ले रहे हो, तो 2 को ले रहे हो, 3 को नहीं ले रहे, 4 को ले रहे हो, 5 को नहीं ले रहे हो, दैट इज वाई दिस इज द आंसर, ठीक है। और यहां पे भी वो इन तरीका काम करता है। अगर मैं लिखूं कोलोन कोलोन -1, तो ये सिंटेक्स किस चीज का है, लिस्ट को रिवर्स कर देने का, ठीक है। जैसा आपने स्ट्रिंग में पढ़ा था बिल्कुल सेम यहां पे काम कर रहा है। इन शॉर्ट इस पूरे सेक्शन का समरी ये है कि आप लिस्ट के अंदर से आइटम्स को फेच कर सकते हो। दो तरीके हैं, इंडेक्सिंग जिससे आप एक आइटम को एक बार में निकाल पाओगे, और स्लाइसिंग जिसमें आप कितने भी आइटम्स को निकाल सकते हो। इंडेक्सिंग दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव राइट टू लेफ्ट। पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव -1 से स्टार्ट होता है। ऑल्सो अगर आप 2D, 3D, 4D, ND लिस्ट के साथ काम कर रहे हो, तो जितने आपके डायमेंशन है उतने आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आइटम को फेच करोगे, ठीक है। और लास्टली स्लाइसिंग में आप बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट करोगे जैसे आपने स्ट्रिंग्स में किया। प्रैक्टिस कर लेना, ट्रस्ट मी, एक बार किसी भी एक डेटा टाइप पे कर लो, बाकी सब में सेम रहता है। सो दैट इज वाई इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तो एक बार आगे बढ़ते हैं, लेट मी नो अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज एडिंग आइटम्स टू अ लिस्ट। आई विल वेट, जस्ट टाइप क्लियर एंड विल मूव फॉरवर्ड। ओके चलो गाइस आगे बढ़ रहे हैं। अगला है एक लिस्ट के अंदर आइटम्स को ऐड करना, ठीक है। एक लिस्ट है हमारे पास, मान लो ये लिस्ट है, ठीक है, और हम चाहते हैं इसमें आइटम्स को ऐड करना। तो आइटम्स को ऐड करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। हम तीनों तरीके पढ़ेंगे। पहला होता है अपेंड फंक्शन, दूसरा होता है एक्सटेंड फंक्शन, और तीसरा होता है इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं अपेंड क्या करता है। अपेंड अगर आप यूज करोगे तो आप एक बार में एक आइटम को लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे 6 ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा l डॉट अपेंड, और जो भी मुझे अपेंड करना है,
और इसको करने के बाद मैं जैसे ही एल को प्रिंट करूंगा आई वुड गेट दिस। ठीक है, आप चाहो तो कोई और डेटा टाइप भी ऐड कर सकते हो ऑब्वियसली बिकॉज लिस्ट सपोर्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है अपेंड क्या कर रहा है। अपेंड लास्ट में जाकर के एक सिंगल आइटम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटेंड की। एक्सटेंड थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। अगर आप चाहो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप एक साथ मल्टीपल आइटम्स को लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे 1 2 3 4 5 मेरे लिस्ट में पहले से था, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 मेरे लिस्ट में पहले से था, मैं 6 7 और 8 ऐड करना चाहता हूं, तो उसके लिए कोड क्या होगा? मैं लिखूंगा एल डॉट एक्सटेंड और यहां पर एक लिस्ट के अंदर आई वुड ऐड 6 7 8 एंड आई वुड प्रिंट एल एंड आई वुड गेट दिस। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस इज वेरी सिंपल। अपेंड यूज किया जाता है एक आइटम को ऐड करने के लिए और एक्सटेंड यूज किया जाता है एक साथ मल्टीपल आइटम्स को ऐड करने के लिए। दैट इज द डिफरेंस। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताता हूँ क्या कंफ्यूजन होता है, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। सो आप सोच के बताओ थोड़ा। मान लो इफ आई हैव दिस लिस्ट एंड लेट्स से इफ आई अपेंड 6 7 8 एंड इफ आई प्रिंट एल, यू हैव टू टेल मी क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपेंड में एक लिस्ट ऐड कर रहा हूं, व्हाट वुड हैपन। ओके, काफी लोग बोल रहे हैं एरर, बट देख लो आउटपुट ये है, देख रहे हो क्या हुआ। अपेंड ने ऐड तो किया, बट उसने क्या किया, एक सिंगल आइटम ही ऐड किया, उसने पूरे लिस्ट को ही ऐड कर दिया। ठीक है, तो यही आपको समझना है कि अपेंड हमेशा कोशिश करेगा एक सिंगल आइटम को ही ऐड करने का। ठीक है, अब इसी का एक उल्टा भी बिहेवियर देख सकते हो आप। मान लो हमारे पास ये लिस्ट है और हमने ये लिखा एल डॉट एक्सटेंड लेट्स से डेली और मैंने प्रिंट किया एल, आपको बताना है व्हाट वुड बी द आउटपुट, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड स्निपेट। लास्ट में क्या ऐड होगा वो बताओ। देखो दिस इज द आउटपुट, देखो क्या ऐड हुआ। आपने भले ही एक सिंगल चीज भेजी ऐड करने के लिए, बट एक्सटेंड ने फिर भी क्या किया, उसको तोड़ा और मल्टीपल चीजों को ऐड कर दिया। सो उसने क्या किया, पहले स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट किया और उस लिस्ट को अपेंड कर दिया, जोड़ दिया लास्ट में। तो हमेशा याद रखना, अपेंड सिंगल आइटम ऐड करने की कोशिश करेगा, एक्सटेंड मल्टीपल आइटम्स ऐड करने की कोशिश करेगा। पास्ट में मेरे कुछ स्टूडेंट्स को इस तरह का डाउट हो गया था और एमसीक्यू में उनके कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे, तो आप बस याद रखना। ठीक है, लास्ट तरीका, अभी तक आपने देखा दोनों जो तरीके हैं वो हमेशा लास्ट में ऐड कर रहे हैं आइटम्स को। व्हाट इफ मुझे बीच में कहीं पर अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे, डिजायर्ड इंडेक्स पे ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसका भी सोल्यूशन है। देखो आप क्या करोगे, मान लो मेरे पास ये लिस्ट है और मुझे 1 और 2 के बीच में एक आइटम को ऐड करना है और वो आइटम है 100। फिर से सुनो, मुझे 1 और 2 के बीच में 100 को अपेंड करना है या ऐड करना है, तो यहां पर आप यूज करोगे इंसर्ट। इंसर्ट एक बहुत ही प्यारा फंक्शन है, इसमें आपको बस दो चीजें प्रोवाइड करनी है। पहला इंडेक्स पोजीशन जहां पे आप आइटम को ऐड करना चाहते हो, और दूसरा क्या ऐड करना चाहते हो। जैसे अगर मैं 1 और 2 के बीच में ऐड करना चाहता हूं, तो कौन से इंडेक्स पोजिशन पे ऐड करना चाहता हूं, 1 पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 और आपको क्या ऐड करना है, आपको 100 ऐड करना है, तो आप लिखोगे 100 और आप प्रिंट कर दोगे एल को एंड दिस वुड गिव यू योर डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो यही 3 तरीके होते हैं लिस्ट में आइटम्स को ऐड करने का। अपेंड लास्ट में एक आइटम, एक्सटेंड लास्ट में कितने भी आइटम्स, और इंसर्ट बीच में कहीं भी अपने पसंद की चीज को ऐड करना, बट एक बार में एक ही चीज ऐड होगी, मल्टीपल चीजें ऐड नहीं होंगी। तो हमने ऐड करना सीख लिया नए आइटम्स को। चैट ओपन कर रहा हूं, किसी को डाउट है लेट मी नो।
लेट मी नो गाइस, ऐड करना सीखा या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। यार इंसर्ट बहुत सिंपल है। अगर आप किसी डिजायर्ड पोजीशन पे चीजों को ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं चाह रहा था कि 1 और 2 के बीच में 100 ऐड करना है, तो इंसर्ट यूज करते हैं। और इंसर्ट में आप पहले बताते हो इंडेक्स पोजीशन जहां पे आपको ऐड करना है, और फिर आप बताते हो क्या ऐड करना है, 100 ऐड करना है। तो आप बस ये कोड रन कर देते हो, और जैसे ही आप प्रिंट करोगे यू वुड गेट द रिजल्ट। सिंपल है, मतलब एक बार चला के देख लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ रहे हैं। और अगली चीज हम लोग कवर कर रहे हैं, हाउ टू एडिट एग्जिस्टिंग आइटम्स इन अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर अगर ऑलरेडी कुछ आइटम्स हैं तो आप उसको एडिट कैसे कर सकते हो। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग्स पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग में आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मतलब एक बार अगर स्ट्रिंग बन गया तो आप उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं या सब स्ट्रिंग्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, बट लिस्ट्स आर म्यूटेबल, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो लेट मी शो यू। मान लो हमारे पास यही लिस्ट है, एल 1 2 3 4 5, एंड वॉट आई वॉन्ट इज कि ये जो 5 है इसके बदले आई वॉन्ट टू मेक इट 500। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस आइटम को फेच करेंगे। मैंने लिख दिया एल का -1, और उसको मैंने क्या बना दिया, 500। और इतना करने के बाद मैंने लिखा प्रिंट ऑफ एल, एंड यू कैन सी हमने चेंज कर लिया। ठीक है, हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग से किया, आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग से भी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हो। लेट्स से मुझे ये 2 3 और 4 के बदले, ये 2 3 और 4 के बदले 200 300 और 400 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये कोड लिखूंगा, आई वुड राइट एल का 1 से 4 तक इज गोइंग टू बी 200, 300, 400। ठीक है, और अब मैं इस कोड को जैसे ही रन करूंगा यू वुड सी कि 2 के बदले 200 आ गया, 300 400 आ गया, और ये हुआ एडिटिंग विथ इंडेक्सिंग। और ये जो हमने नेक्स्ट लाइन में किया ये है एडिटिंग विथ स्लाइसिंग। ये दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। सबसे पहले ये याद रखना है कि एडिटिंग इज पॉसिबल, और फिर कैसे करना है वो मैंने आपको 2 तरीके दिखा दिए। एक साथ एक को भी कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल को भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो आई विल जस्ट वेट। एडिटिंग हमने जस्ट कंप्लीट किया। लेट मी नो अगर आपको एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग डिलीशन कवर करेंगे। लेट मी नो गाइस, एडिटिंग समझ में आ गया क्या? ओके सही है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, डिलीशन पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सिंस म्यूटेबल है आपका लिस्ट, तो आप अपने लिस्ट के अंदर के आइटम्स को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, हटा सकते हो, और आप एक साथ एक आइटम को भी हटा सकते हो, एक साथ मल्टीपल आइटम्स को भी हटा सकते हो, आप पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हो। आपके पास 4 तरीके हैं। पहला है डेल कीवर्ड जो मैंने आपको स्ट्रिंग्स में पढ़ाया था, दूसरा है रिमूव, तीसरा है पॉप, चौथा है क्लियर। ठीक है, ये चारों हम लोग देखने वाले हैं। तो फिर से हम लोग सेम लिस्ट ले लेते हैं, और ये रहा प्रिंट एल, और आप चाहो तो पूरे लिस्ट को डिलीट कर सकते हो यूजिंग डेल कीवर्ड। और मैंने लिखा प्रिंट एल और मैंने इसको रन किया, एंड यू कैन सी जब आपने पहला प्रिंट स्टेटमेंट रन किया तो वो प्रिंट हो गया, बट उसके बाद जैसे ही आपने डेल लगा दिया तो अब अगला प्रिंट स्टेटमेंट के पहले क्या बोल रहा है, नेम एल इज नॉट डिफाइंड, विच बेसिकली मीन्स कि इट्स डिलीटेड। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली डिलीशन नहीं हो रहा है, बट इस पॉइंट पे आप रफली समझ सकते हो कि आपने स्ट्रिंग को लिस्ट को डिलीट कर दिया। ठीक है, मेमोरी लेवल पे एक्चुअली डिलीशन नहीं होता है, बट अभी आप रफली ऐसा मान सकते हो कि डिलीट हो गया। ठीक
ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा लिस्ट को डिलीट करना। बट इफ यू वॉन्ट, आप इसके एक पोर्शन को भी, इसके आइटम्स को भी डिलीट कर सकते हो। लेट्स से मुझे ये 5 को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा डेल एल का -1, और इतना करने के बाद आई वुड जस्ट प्रिंट एल एंड यू वुड सी हमारा जो लिस्ट है उसके अंदर से हमने एक आइटम को डिलीट कर दिया लास्ट वाले को, और ये प्रूव करता है कि हमारा जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है बिकॉज आपने चेंजेस किए। बाय द वे, ऐड करने से भी प्रूव हो जाता है क्योंकि आपने चेंजेस किए। ठीक है, आप चाहो तो मल्टीपल चीजों को भी ऐड कर सकते हो, दिस इज लाइक इंडेक्सिंग। अब मैं आपको स्लाइसिंग के थ्रू करके दिखाता हूं, स्लाइसिंग में भी आप सेम काम कर सकते हो। लेट्स से मुझे 2 और 3 को डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डेल एल ऑफ, अब हमारे लिस्ट में क्या क्या बच गया, 1 2 3 4, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिलीट करना चाहता हूं 1 से 2 और 3 को करना चाहता हूं, तो मैं 1 से 3 तक लिख दूंगा। और अब इसको रन करते हैं, यू कैन सी बस 1 और 4 बच गया बिकॉज इस स्टेप में हमने लास्ट आइटम को डिलीट कर दिया था और इस स्टेप में हमने बीच के 2 आइटम्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आप डिलीशन कर सकते हो यूजिंग डेल कीवर्ड। आप चाहो तो पूरे लिस्ट को डिलीट कर दो, आप चाहो तो उसके एक आइटम को डिलीट करो, आप चाहो तो उसके एक पार्ट को डिलीट कर सकते हो, एक पोर्शन को डिलीट कर सकते हो मल्टीपल आइटम्स वाले। ठीक है, तो डेल कीवर्ड आई गेस आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिमूव। रिमूव भी बहुत यूजफुल फंक्शन है। सो रिमूव का फायदा क्या है कि आप आइटम को वैल्यू के हिसाब से डिलीट कर सकते हो। जैसे मुझे नहीं पता कि भाई 5 कहां पर है, जैसे अभी तक हमने जो डेल देखा इसमें हमें इंडेक्स पोजीशन बताना पड़ रहा है 5 को डिलीट करने के लिए या किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए। लेट्स से मुझे नहीं पता कि 5 है कहां पे, मुझे बस इतना पता है कि 5 है और मुझे 5 को डिलीट करना है, तो वो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एल डॉट रिमूव और 5, और वो खोजेगा और 5 को डिलीट कर देगा, और ये रहा आपका आउटपुट। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें आपको इंडेक्स पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू से डिलीट कर सकते हो, तो कुछ जगहों पे काम आता है स्पेशली जब डायनेमिकली डेटा जनरेट हो रहा है एंड यू डोंट नो द इंडेक्स पोजीशंस, यू कैन जस्ट प्रोवाइड द वैल्यू एंड इट वुड रिमूव। ठीक है, तो काफी हेल्पफुल है फंक्शन, फ्यूचर में मैं आपको कई जगह ये यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अगला जो फंक्शन है वो है पॉप। पॉप क्या करता है, पॉप एक्चुअली 2 तरीके से काम करता है, एक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे रखे हुए आइटम को डिलीट कर सकता है। लेट मी शो यू, मान लो फिर से हम सेम आइटम को पकड़ रहे हैं, सेम लिस्ट को पकड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं एल डॉट पॉप, और पॉप में आपने डाल दिया 0, 0 का मतलब 0th इंडेक्स। और अब आप जैसे ही इसको रन करोगे देखो क्या हुआ, जो पहला आइटम है वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो पॉप यूज करने का पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड कर दो, तो जो भी इंडेक्स को आप डिलीट करना चाहते हो वो डिलीट हो जाएगा। सेकेंड तरीका क्या है कि आप ये इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करो, और देखो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस कोड को रन कर रहा हूं लास्ट आइटम डिलीट हो रहा है। सो अगर आपने डीएसए पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में, तो वहां पे भी पॉप फंक्शन बहुत फेमस है, उसको जनरली यूज किया जाता है लास्ट आइटम को डिलीट करने के लिए। तो पॉप के अंदर अगर आप इंडेक्स नहीं पास कर रहे तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, लास्ट वाले को डिलीट करना। ठीक है, डिफॉल्ट इंडेक्स क्या है यहां पे, -1। ठीक है, आई होप आपको पॉप समझ में आ गया। पॉप क्या करता है, इंडेक्स पकड़ के डिलीट करता है, इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करोगे तो लास्ट आइटम को डिलीट करता है। आई होप समझ में आ गया। एंड द लास्ट वन इज क्लियर फंक्शन। क्लियर नाम से समझ में आ रहा है कि एक लिस्ट को डिलीट नहीं करता बट उसके सारे आइटम्स को डिलीट कर देता है, खाली कर देता है, एम्प्टी लिस्ट बना देता है। सो अगर आपने लिख दिया एल डॉट क्लियर और आपने लिखा प्रिंट एल, यू वुड सी आपका जो लिस्ट है वो एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, तो डिलीट करने के 4 तरीके देखे हमने। पहला तरीका क्या है, डेल कीवर्ड, दूसरा है रिमूव फंक्शन जहां पे आप वैल्यू से डिलीट करते हो, फिर आपने पढ़ा पॉप, डिफॉल्ट में लास्ट आइटम, इंडेक्स प्रोवाइड करोगे तो इंडेक्स पकड़ के, एंड द लास्ट वन इज क्लियर जो सारे आइटम्स को डिलीट कर देता है, लिस्ट को एम्प्टी बना देता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं डिलीट करने के, और हमने डिलीशन देख लिया। मैं चार्ट ओपन कर रहा हूं, लेट मी नो किसी को कोई अगर डाउट है तो, नहीं है तो क्लियर लिखना, आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया गाइस, चैट एकदम ही मूव नहीं कर रहा। ओके हाँ, ओके ओके गॉट इट, थैंक यू। चलो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
अब हम लोग देख रहे हैं कि आप लिस्ट के ऊपर क्या ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से ऑपरेशंस पॉसिबल हैं लिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो दो ही तरह के ऑपरेटर्स पॉसिबल हैं, लॉजिकली भी आप यूज करोगे तो दो ही यूज करोगे। पहला है अरिथमेटिक, दूसरा है मेंबरशिप। ठीक है, और तीसरा एक चीज और होती है, वो मैं लिख देता हूं, मैं यहां पे लिखना भूल गया, आप लूप चला सकते हो। तीन चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। अरिथमेटिक में दो ऑपरेटर्स यहाँ पे काम करते हैं, एक होता है प्लस और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। यही दो ऑपरेटर्स काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है L1 जिसमें है 1 2 3 4, और मेरे पास है एक लिस्ट L2 जिसमें है 5 6 7 8। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ प्रिंट L1 प्लस L2, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट ऑफ एडिशन ऑफ टू लिस्ट। तो आप यहां पे सिंपली समझ सकते हो क्या हुआ, कॉनकैटिनेशन हुआ। जैसे स्ट्रिंग्स के ऊपर प्लस काम करता है, बिल्कुल वैसे ही आपका लिस्ट के ऊपर काम करता है। ज्यादा सही वर्ड वैसे मर्जिंग है, दो लिस्ट को मर्ज कर सकते हो यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। ठीक है, बहुत इजी सिंटेक्स है, फ्यूचर में शायद आप यूज करो। ठीक है, अगला है मल्टीप्लीकेशन। मैं L1 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। L1 में अगर आपने ये लिखा L1 times 3, तो इससे ये आउटपुट आएगा, तीन बार रिपीट होके मर्ज हो जाएगा। इट इज लाइक L1 plus L1 plus L1। ठीक है, तीन बार मर्ज हो गया। तो यही होता है प्लस और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर से। एक बार देख लो, अगर आपको कोई डाउट है लेट मी नो। ठीक है, कभी कभी आप ये सिंटेक्स यूज करोगे। ओके, अगला जो ऑपरेटर है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर, बेसिकली इन नॉट इन। ठीक है, जल्दी से एक बार समझ लेते हैं मेंबरशिप कैसे काम कर रहा है। सो मान लो हमारे पास L1 है 1 2 3 4 5, और एक L2 है जो कि है 1 2 3 4 5 कॉमा 6। ठीक है, ये दो लिस्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। तो मेंबरशिप ऑपरेटर करता क्या है, एक गिवन चीज में कोई दूसरी चीज है या नहीं है यही आपको बताता है। तो लेट्स से मैं चेक कर रहा हूं 5 in L1, तो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या L1 के अंदर 5 है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा इट विल गिव मी ट्रू, बिकॉज है, राइट। इसका ठीक उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर होता है नॉट, नॉट इन, ये आपको फॉल्स दे देगा बिकॉज 5 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप 2D लिस्ट के ऊपर काम करते हो। सो मान लो आपने लिखा ये क्वेश्चन, प्रिंट 5 in L2। जल्दी से सोच के बताना गाइस चैट में, ट्रू या फॉल्स, सेकेंड वाला प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट ट्रू या फॉल्स। सेकेंड वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें क्या आएगा, क्या 5 L2 के अंदर है? सही बोल रहे हो आप लोग, द आंसर वुड बी फॉल्स। और आई गेस आप समझ पा रहे हो, सही भी है, 5 इस लिस्ट के अंदर नहीं है। ठीक है, 1 है 2 है 3 है 4 है, और ये लिस्ट है बट 5 नहीं है। अगर आपने ये लिखा होता लेट्स से 5 कॉमा 6, अगर आपने ये लिखा होता तो अब ट्रू आता, क्योंकि ये लिस्ट एग्जिस्ट करता है। कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपको करके मैंने दिखा दिया। ठीक है, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हमने ऑपरेशंस देख लिए, जो भी ऑपरेशंस होते हैं हमने समझ लिए। अब हम लोग मूव कर रहे हैं लिस्ट फंक्शंस की तरफ। ठीक है, लिस्ट फंक्शंस कैसे काम करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो आई जस्ट हैव सम वाटर। अरे हाँ, सही बोला, लूप तो पढ़ाया ही नहीं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, भूल गया, थैंक्स। लूप तो दिखाए नहीं, एक बार लूप्स भी देख लो, लूप्स कैसे काम करते हैं। ऑल्दो आपको दिखा चुका हूं मैं। मान लो हम लोग फिर से यही L1 और L2 लेके चलते हैं, और इनके ऊपर हम लोग लूप चलाते हैं। सो पाइथन में लिस्ट इज अ सीक्वेंस, और जनरली सीक्वेंस वाले डेटा टाइप्स के ऊपर लूप्स काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करते हैं, लिस्ट के ऊपर भी काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, बहुत सिंपल है, आप फॉर लूप चला सकते हो। फॉर i in L1 प्रिंट आई। सो होगा क्या कि लूप चलेगा, हर बार आई का वैल्यू
इस लिस्ट का एक एक आइटम बनता जाएगा। सो लूप पहली बार जब चलेगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा 1, दूसरी बार चलेगा तो 2, तीसरी बार 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है। और अब आप इसको जैसे ही चलाओगे यू वुड गेट ऑल द आइटम्स, ठीक है। 2D लिस्ट में थोड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स से अगर आप L2 के ऊपर चलाओ तो अब क्या होगा, लिस्ट कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, ठीक है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, 5 आइटम्स हैं, और आपके स्क्रीन पे ये प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 और लास्ट में एक लिस्ट 5 6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ, 3D वाला। ये जो एग्जाम्पल है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें लूप कैसे चलेगा। कॉपी किया, नीचे आए और जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यहाँ पे मैंने L3 बना दिया जिसमें ये है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया L3। और अब आप लोग मुझे बताओ गाइस, लूप कितनी बार घूमेगा, लूप कितनी बार घूमेगा वो बताओ, नंबर ऑफ टाइम्स। सही बोल रहे हो, कुछ लोग गलत भी बोल रहे हो। गाइस ध्यान से देखो, सब हमेशा खुद से क्वेश्चन पूछो कि बाहर वाले लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो, दिस इज द आउटपुट, 2 बार घूमेगा क्योंकि बाहर वाले लिस्ट में 2 ही आइटम्स हैं, और ये दोनों आइटम्स खुद 2D लिस्ट हैं, ये देखो, और यही दोनों आइटम्स प्रिंट हो रहे हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत हो, कुछ भी बहुत खास नहीं है, इट इज ऑल वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमने ऑपरेशंस कवर कर लिए, ऑपरेशंस में किसी को प्रॉब्लम है बताओ, अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट के अंदर के कुछ फंक्शंस। आई विल वेट। राहुल इज आस्किंग कैन वी यूज नेस्टेड लूप्स, हाँ यू कैन यूज, बट वो अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। नॉर्मल लिस्ट के ऊपर तो आप एक ही लूप चलाओगे, आप उसके बाद किसी प्रॉब्लम में आपसे पूछा जा रहा है मल्टीपल चलाने के लिए तो चला सकते हो आप, ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ रहे हैं, लिस्ट फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो लिस्ट में होते तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट इनमें से बहुत सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ध्यान से देखो हमने कौन कौन से ऑलरेडी कवर कर लिए, ऊपर देखते हैं। ये देख रहे हो, क्लियर एक फंक्शन है लिस्ट का, ये हमने पढ़ लिया। पॉप भी एक फंक्शन है, ये भी हमने पढ़ लिया। रिमूव भी पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अपेंड और एक्सटेंड पढ़ लिया, इंसर्ट पढ़ लिया। तो ये कुछ फंक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है, अननोइंगली। अब मैं आपको बचे हुए सारे फंक्शंस पढ़ा देता हूँ। ट्रस्ट मी, इनके अलावा लिस्ट में कोई फंक्शन नहीं है। लिस्ट में जितने फंक्शन है हम सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन फंक्शंस पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग्स में भी। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं पाइथन में जो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब सारे डेटा टाइप्स में अवेलेबल है, लिस्ट में भी, स्ट्रिंग्स में भी, सेट्स में भी, टपल्स में भी, डिक्शनरीज में भी। और ये चार है वो मेथड्स, फंक्शंस, लेंथ फंक्शन, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन। मान लो मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर आइटम्स हैं 2, 1, 5, 7, 2 या लेट्स से 0। ये मेरे पास एक लिस्ट है, मैं आपको एक एक करके सारे फंक्शंस चला के दिखाता हूँ। सबसे पहला है लेंथ फंक्शन, जो कि बहुत सिंपली क्या करेगा, आपके लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं काउंट करके बता देगा। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन, प्यारा सा फंक्शन है, फ्यूचर में ना जाने कितनी बार आप यूज करोगे, ठीक है। अगला फंक्शन है मिन, नाम से काम समझ में आ रहा है। लेंथ ऑफ एल वुड गिव यू, नॉट लेंथ, माई बैड, दिस शुड बी मिन। मिन ऑफ एल विल गिव यू द मिनिमम आइटम, एंड ऑब्वियसली ये फंक्शन तभी काम करेगा जब आपके पास होमोजीनियस डेटा है, ठीक है। अगर आप कल को यहाँ पे हेलो डाल देते तो ऑब्वियसली एरर थ्रो करता, बिकॉज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, देख रहे हो, तो वो ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस है, ठीक है। अगला है मैक्स, समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उल्टा है मिन का, लाइक दिस, ठीक है। एंड यू कैन सी मैक्सिमम आइटम प्रिंट हो गया। एंड द लास्ट वन इज सॉर्टेड, अगेन नाम से काम समझ में आ रहा है, सॉर्टिंग करने के काम आता है, हमने यूज किया सॉर्टेड ऑफ एल। ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, देख रहे हो, बट अगर आपको चाहिए है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी ला सकते हो बाय प्रोवाइडिंग दिस हिडन पैरामीटर रिवर्स, जिसका वैल्यू अगर आप ट्रू कर दो तो आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। सिंपल है, एक बार
आई गेस चला के देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है चारों फंक्शंस। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जब हम सेट्स टपल्स और डिक्शनरीज पढ़ेंगे, वहां पे भी हम ये पढ़ेंगे बिकॉज दीज आर यूनिवर्सल फंक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है काउंट। सो मान लो हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें है 1, 2, 1, 3, 4, 1, 5। मान लो ये है, तो काउंट जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, किसी भी आइटम का फ्रीक्वेंसी काउंट बताता है। जैसे मैंने पूछा 1 कितनी बार आया, 3 बार आया, 15 कितनी बार आया, 0 बार आया, 5 कितनी बार आया, 1 बार आया, काउंट करके बता रहा है, सिंपल है। ठीक है, अगला है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स आपको किसी भी गिवन आइटम का इंडेक्स पोजीशन बता देगा। लेट मी शो यू। मान लो हमने इससे पूछा एल डॉट इंडेक्स और हमने पूछा 2 का इंडेक्स बताओ, वो बता देगा कि इंडेक्स पोजीशन इज 1, क्योंकि वो 1 पोजीशन पे है। अगर आपने डाला 5 तो वो बता देगा 6, बिकॉज वो एकदम लास्ट में है। अगर आप किसी ऐसे आइटम का डालो जो मल्टीपल टाइम्स है तो वो पहला अकरेंस बताता है। जैसे 1 3 जगह पर है तो जो सबसे पहला अकरेंस है उसका इंडेक्स पोजिशन आपको बता देगा। ठीक है, तो ये होता है इंडेक्स। ये दोनों फंक्शंस एक्चुअली आपने स्ट्रिंग्स में भी पढ़े होंगे। ठीक है, चलो अगला है रिवर्स। नाम से फिर से समझ में आ रहा है क्या करेगा। सो अगर मैं इसको कॉपी करूं और लेट्स से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, और अगर मैं लिखूं एल डॉट रिवर्स और मैं अगर इसको कॉल करूं, तो रिवर्स हो गया बट आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ। तो यहां पर आप समझना कि इट परमानेंटली रिवर्सेस रिवर्सेस द लिस्ट, मतलब ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस कर देगा। अब अगर आप यहां पे आके प्रिंट करो एल को, यू वुड सी कि आपका ओरिजिनल जो लिस्ट है वो रिवर्स हो गया। ठीक है, ऊपर जो कुछ ऑपरेशंस मैंने आपको बताए ये परमानेंट ऑपरेशंस नहीं है। जैसे कि ये जो सॉर्टेड है, दिस इज नॉट अ परमानेंट ऑपरेशन, विच मीन्स कि आप जब इसको रन करोगे तो रन करने के बाद एल फिर भी वैसा ही रहेगा, बस आपको एक नया लिस्ट बना के दे दिया जाएगा जो सॉर्टेड होगा। तो दिस इज नॉट अ परमानेंट ऑपरेशन सॉर्टेड, बट द रिवर्स ऑपरेशन इज अ परमानेंट ऑपरेशन। तो यू हैव टू बी केयरफुल, अगर आप रिवर्स अप्लाई कर रहे हो तो यू विल हैव टू बी केयरफुल कि पुराना वाला जो लिस्ट है वो खो जाएगा, नया लिस्ट मतलब उसी लिस्ट में चेंजेस हो जाएंगे। जस्ट बी केयरफुल विथ रिवर्स। ठीक है, अगला जो है वो है सॉर्ट। तो सॉर्ट जो है ना, वो भी क्या करता है, वो बेसिकली सॉर्टिंग ही करता है जस्ट लाइक सॉर्टेड, बट द ओनली डिफरेंस इज कि सॉर्टिंग जो होता है वो परमानेंट होता है, सॉर्टेड में परमानेंट नहीं होता, ओरिजिनल वाले में चेंजेस नहीं होते। लेट मी शो यू मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये लिस्ट है और मैंने लिखा प्रिंट एल, फिर मैंने लिखा सॉर्टेड एल, और सॉर्टेड एल के बाद जो भी आया मैंने उसको प्रिंट कर दिया, और फिर मैंने फिर से प्रिंट कर दिया एल को, और फिर मैंने लिखा एल डॉट सॉर्ट, और फिर मैंने लिखा प्रिंट एल। समझना क्या हो रहा है, देख लो एक बार। ये है मेरा ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है, फिर मैंने उसके ऊपर सॉर्टेड चलाया, तो सॉर्टेड चलाने से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। बट मैंने उसके बाद फिर से जब एल को प्रिंट किया तो देखो ओरिजिनल वाला इंटैक्ट है। इससे क्या प्रूव हुआ कि सॉर्टेड इज अ टेम्पररी ऑपरेशन, ओरिजिनल वाले में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, नया लिस्ट बन रहा है, सॉर्ट हो रहा है। बट फिर मैंने जैसे ही दोबारा सॉर्टिंग की यूजिंग SORT सॉर्ट, और फिर जब प्रिंट किया तो देखो परमानेंटली चेंज हो गया। तो ये इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं फ्रेशर्स से, सॉर्ट वर्सेस सॉर्टेड, दोनों सॉर्टिंग ही करते हैं, बट सॉर्ट जो होता है वो परमानेंटली सॉर्ट कर देता है, और सॉर्टेड जो होता है वो नया मेमोरी में एक लिस्ट बना के उसको सॉर्ट करता है, ओरिजिनल वाले को टच नहीं करता। दैट इज द मेन डिफरेंस, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, द लास्ट वन इज कॉपी। कॉपी क्या करता है, कॉपी बेसिकली मेमोरी में एक कॉपी क्रिएट कर देता है आपके लिस्ट का। ठीक है, यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो अपने पास एक लिस्ट है, मैंने प्रिंट किया आईडी ऑफ एल, ठीक है, फिर मैंने लिखा एल L1 इज इक्वल टू एल डॉट कॉपी।
ठीक है, L1 L डॉट कॉपी, और अब मैंने प्रिंट किया L को, यहां पे मैंने प्रिंट किया L1 को, और यहां पे मैंने प्रिंट किया ID ऑफ L1 को, एड्रेस ऑफ L1 को, और ये रहा मेरा एड्रेस आंसर। ठीक है, ये रहा L1, ये रहा L और ये रहा L1, दोनों का वैल्यू सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बट यू कैन सी कि ये रहा L का एड्रेस और ये रहा L1 का एड्रेस, दोनों अलग है, विच शोज ये दोनों दो अलग लिस्ट हैं जिनका वैल्यू सेम है बट ये दोनों हैं अलग लिस्ट। तो कॉपी क्या कर रहा है, एक शैलो कॉपी बना रहा है। ठीक है, फ्यूचर में हम लोग इंटरव्यू वाले सेशन में डिस्कस करेंगे डीप कॉपी वर्सेस शैलो कॉपी, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस आप यहां पे ये समझ लो कि ये शैलो कॉपी बनाता है। शैलो कॉपी का मतलब मेमोरी में एक नया एड्रेस पे एक सेम लिस्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ फंक्शंस, हमने ये सारे फंक्शंस पढ़े, लेंथ मिन मैक्स सॉर्टेड काउंट इंडेक्स रिवर्स सॉर्ट कॉपी। ठीक है, और इसके अलावा पाइथन के लिस्ट में कोई भी फंक्शंस नहीं है, हमने सारे ही कवर कर लिए, एक एक फंक्शन पकड़ के कवर कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तरुण सिंह, एल कोलोन कोलोन -1 इज परमानेंट और टेम्पररी? टेम्पररी है, देखो कभी भी ऐसा डाउट हो ना तो एक बार चला के देख लिया करो। ठीक है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करोगे हमेशा ज्यादा सीखोगे। शिवोहम, पोर्टफोलियो वेबसाइट में डाउट है तो फॉर्म फिल कर देना ना, कल जो फॉर्म शेयर करेंगे ना उसमें फॉर्म फिल कर देना, हम लोग रिप्लाई कर देंगे। चलो गाइस, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, जस्ट वन सेकेंड। बिशांत सिंह, शैलो कॉपी क्या होता है? बिशांत, इंटरव्यू वाला सेशन एक बार अटेंड करना ना इस वीकेंड, सैटरडे को, वहां पे अच्छे से समझाएंगे डीप वर्सेस शैलो। अभी इस क्लास को और कॉम्प्लेक्स नहीं करते, मैंने वर्ड यूज किया बिकॉज वर्ड याद रखना चाहिए, बट इसका एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू ऑन सैटरडे, डोंट वरी। बाकी यार टीम वाले आपको आंसर करेंगे जो बाकी क्वेश्चंस हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज सेशन में अभी भी काफी कुछ बचा हुआ है। चलो जल्दी से लेट्स कवर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल चीज है जो आप फ्यूचर में काफी यूज करोगे, स्पेशली इफ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, ट्रस्ट मी आप खुद भी बहुत यूज करोगे और आप जब टीम में काम करोगे तो आपके टीममेट्स भी बहुत यूज करेंगे, विच मीन्स आपको समझ में तो आना चाहिए कि ये कोड का मतलब क्या है। ठीक है, सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड्स अ कंसाइज वे ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट, बेसिकली एक शॉर्टकट तरीका है लिस्ट बनाने का। ठीक है, और ये होता है एक्सप्रेशन, ध्यान से देखना। सो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऐसा दिखाई देता है, आप लिखते हो एक लिस्ट के अंदर एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइटरेबल इफ कंडीशन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब आई नो आपको शायद ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ट्रस्ट मी अभी थोड़ी देर बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस इतना समझ लो कि एडवांटेजेस बहुत हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करने के। पहला, मोर टाइम एफिशियंट एंड स्पेस एफिशियंट देन लूप्स, मतलब इंटरनली इट इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड, एंड पाइथन आपको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करो, हमने उसको बहुत ऑप्टिमाइज कर रखा है। ठीक है, अगला है रिक्वायर्स फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड, जो चीज आप चार लाइन में करोगे वो एक लाइन में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफॉर्म आइटरेटिव स्टेटमेंट्स इंटू अ फॉर्मूला, जो काम आप लूप लगा के करोगे वो आप एक लाइन में फॉर्मूला की तरह कर दोगे। ठीक है, बेसिकली बहुत स्टाइलिश, बहुत ही पावरफुल चीज है, मैं आपको अच्छे से सिखाता हूं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराने वाला हूं अभी, कुछ 5-6 एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलो लेट मी शो यू कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें एक लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट के अंदर 1 से लेकर 10 तक आइटम्स को स्टोर करना है। ठीक है, तो हम क्या करते, हम ये कोड लिखते, हम एक लिस्ट बनाते जो शुरू में एम्प्टी होता, फिर हम लिखते फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 से लेके 11, हम हर बार क्या करते एल के अंदर अपेंड कर देते आई को और बाहर निकल के हम प्रिंट कर देते एल को, यही तो कोड होता, दिस इज द कोड, राइट। हमने क्या किया, लूप चलाया 1 से लेके 10 तक और हर बार एक आइटम को उठा के लिस्ट में ऐड करते चले गए, 4 लाइंस का कोड है। अब इसी सेम कोड को अगर आप चाहो तो सिर्फ एक लाइन में कर सकते हो, देखो कैसे,
आपको बस ये लिखना है, आप लिखोगे L इज इक्वल टू I फॉर I इन द रेंज ऑफ 1 से 11, दिस इज द कोड, दैट्स इट, प्रिंट L। आपने क्या लिखा, I फॉर I इन द रेंज ऑफ 1 से 11 होगा, ठीक है, और आप इसको जैसे ही रन करोगे यू वुड गेट द सेम रिजल्ट, एक लाइन में हो गया, ठीक है। बेसिकली आपने क्या किया, एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइटरेबल, यहां तक पढ़ो, एक्सप्रेशन क्या था हमारे केस में, आई, ठीक है, फॉर आइटम इन आइटरेबल, आइटरेबल क्या है हमारा, ये रेंज ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अभी भी अगर समझ में नहीं आया, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे हम एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे वेक्टर के साथ। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, 3D वेक्टर है, मान लो कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 4, और मुझे इन वेक्टर्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, लेट्स कॉल इट -3 या ओनली -3। अब अगर आप ये लिखो, लेट्स से v इंटू s तो काम करेगा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ये लिखा होता v टाइम्स s, तो ये एम्प्टी लिस्ट बन गया। ये मेरे लिए भी नई चीज है कि -3 से मल्टीप्लाई करने पे ये एम्प्टी हो गया, अगर ये 3 होता तो 3 टाइम्स हो जाता जो हमने ऊपर देखा भी था, बट -3 करने पे एम्प्टी हो गया। ये मैंने भी पहली बार देखा है, बट जो भी है चलो ठीक है। बेसिकली हमारा गोल अचीव नहीं हुआ, हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, हमारा आउटपुट ये होना चाहिए -6, -9, -12, ये मेरा आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर से क्या कर सकते हो, लूप्स का सहारा ले सकते हो, और आप लिखते फॉर आई इन वी, और आप यहां पर एक नया लिस्ट बनाते, लेट्स से एक्स जो कि एम्प्टी होता, और आप लिखते एक्स डॉट अपेंड आई टाइम्स एस, और बाहर आकर के आप प्रिंट कर देते जो भी आपका एक्स के अंदर है, आपका काम हो जाता। बट अगेन इतनी मेहनत आपको करनी ही नहीं है, बिकॉज आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आता है। आप क्या करोगे, आप ये कोड लिखोगे, आप लिखोगे एस टाइम्स आई फॉर आई इन v, एंड दैट्स इट। देखो सेम ही बात है, इस बार आपका एक्सप्रेशन क्या हो गया, s इंटू आई फॉर आई इन आइटरेबल, इस बार आइटरेबल क्या है, v, एक लिस्ट। देखो ये वाला फॉर्मूला देखो बार बार, एक्सप्रेशन क्या है, s इंटू आई फॉर आई इन आइटरेबल, और आइटरेबल क्या है इस बार, आपका वेक्टर। आई होप समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से हमें क्या करना है, हमारे पास एक लिस्ट है, मान लो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 है, और हमें क्या करना है, एक नया लिस्ट बनाना है जिसमें सारे आइटम्स इस वाले लिस्ट के आइटम के स्क्वायर्स हो, बेसिकली 1, 4, 9, 16 और 25 हमें प्रिंट करना है। फिर से आप समझ रहे हो, आपको लूप चलाना पड़ेगा, बट अगर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आता है तो आप ये लिखोगे, दिस इज द आंसर, सिंपल, 4 लाइन के बदले 1 लाइन, ठीक है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया, और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहां पर अगर आपने नोटिस किया होगा, ये और फ्लेक्सिबल है, मतलब आप इफ वगैरह भी यूज कर सकते हो, वो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। मान लो हमें क्या करना है, हमें ऑल, वी हैव टू प्रिंट ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 इन द रेंज ऑफ 1 to 50। अब ये खुद में एक प्रोग्राम है जो हमने लास्ट वीक किया था, अब इसको आप एक लाइन में कर सकते हो। ये देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आई, इनफैक्ट आप लिखोगे आई फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 से लेके 51, ठीक है, इफ आई मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 0, और ये रहा आपका आंसर। देख रहे हो आपने क्या बोला, इस बार आपका एक्सप्रेशन क्या था, आई फॉर आई इन दिस आइटरेबल, और उसके आगे आपने चेक क्या लगा दिया, सिर्फ उन्हीं आईज को रखना जो ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ एक लाइन में आपने पूरा प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट कर दिया, दैट्स द पावर ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। एक दो एग्जाम्पल्स और करते हैं। अगर आप चाहो
तो आप इस तरह का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम है, और आप क्या करना चाहते हो, आप सिर्फ उन लैंग्वेजेस को प्रिंट करना चाहते हो जिनका नाम पी से स्टार्ट होता है। तो आपका कोड ये हो जाएगा, आप लिखोगे लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, इफ लैंग्वेज डॉट स्टार्ट्स विथ पी। समझना, यहां पे हमने आई नहीं यूज किया, हमने उसको लैंग्वेज बुलाया। थोड़ा ज्यादा रीडेबल कोड है क्योंकि हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, तो उसके अंदर के हर एक सिंगल लैंग्वेज को हम लैंग्वेज बुला रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज फॉर एवरी लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस प्रिंट कर दो अगर ये क्राइट। जस्ट वन सेकेंड गाइज, ये गूगल नाउ ट्रिगर हो गया, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ओके या दिस इज द कोड, लेट्स रन इट। ये देखो सिर्फ वही दो चीजें प्रिंट हुई जिनका नाम पी से स्टार्ट होता है। ठीक है, बाय द वे ये सेम काम आप यहां पे आई लिख के भी कर सकते थे, मैंने बस ज्यादा रीडेबल बना दिया, अदरवाइज कुछ खास नहीं है, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, सेम ही बात है। ठीक है, तो मैं इसको वापस कंट्रोल जी कर रहा हूं ताकि फ्यूचर में जब आप इस नोटबुक को रेफर करो तो आपको ये याद रहे कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है जहां पे हम नेस्टेड इफ्स यूज करेंगे। ठीक है, नेस्टेड इफ यूज करेंगे, ध्यान से देखना। सो मेरे पास एक लिस्ट है बास्केटबॉल के, जिसमें कुछ फ्रूट्स का नाम है, एप्पल, गुआवा, चेरी, बनाना। फिर मेरे पास एक और लिस्ट है माई फ्रूट्स, जिसमें कुछ और फ्रूट्स का नाम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया लिस्ट बनाना है माई फ्रूट्स से। ठीक है, बट दो कंडीशंस हैं। मैं नए वाले लिस्ट में सिर्फ उन्हीं फ्रूट्स को रखूंगा जो फ्रूट्स पहले तो बास्केट वाली लिस्ट में हैं और सेकंड ए से स्टार्ट होते हैं। दो कंडीशंस हैं, मुझे जो नया लिस्ट बनाना है वो पहले इस वाले में होना चाहिए और दूसरा उनका नाम ए से शुरू होना चाहिए। ठीक है, अब कायदे से ये काम आप एंड स्टेटमेंट से कर सकते हो, बट हम इसको नेस्टेड इफ की तरह समझेंगे कि पहले हम चेक करेंगे कि जो फ्रूट है इसमें, जो फ्रूट है इसमें है कि नहीं ऊपर वाले में, और फिर हम ये चेक करेंगे कि उसका नाम ए से शुरू होता है कि नहीं। ठीक है, आप ये कर सकते हो, आपका कोड ये हो जाएगा, आप लिखोगे फ्रूट फॉर फ्रूट इन माई अंडरस्कोर फ्रूट, इफ फ्रूट इन बास्केट। ये पहला इफ है, हम चेक कर रहे हैं कि, अच्छा माई फ्रूट्स होगा यहां पे, हम चेक कर रहे हैं कि ये वाले फ्रूट्स बास्केट में है कि नहीं, और फिर अगर है तो हम एक दूसरा इफ लगा के चेक कर रहे हैं, इफ फ्रूट डॉट स्टार्ट्स विथ ए। हम दोनों कंडीशंस चेक कर रहे हैं, नेस्टेड इफ लगा रहे हैं, और ये रहा हमारा आउटपुट, सिर्फ एप्पल आया। क्यों? क्योंकि देर इज ओनली एप्पल इस लिस्ट में, सिर्फ एप्पल ही ऐसा फ्रूट है जो ऊपर वाली लिस्ट में भी है और सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, ए से भी शुरू होता है, दैट इज वाई एप्पल प्रिंट हुआ। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जहां पे आप नेस्टेड इफ यूज कर रहे हो। ऑल्दो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ये काम आप एंड से भी कर सकते थे, बट मुझे अभी कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो मैंने ये एग्जाम्पल दिखा दिया। ठीक है, अगला है 3x3 मैट्रिक्स प्रिंट करने का। ठीक है, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो यहां पे कोड मैंने पहले से पता नहीं क्यों लिख दिया है, बट जो भी है। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिखा, दिस इज द एक्सप्रेशन, एंड द एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ इज अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और फिर आपने लिखा फॉर जे इन द रेंज ऑफ आई 4 1 4, और फिर आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिखा है, 1 क्रॉस जे फॉर आई इन द रेंज ऑफ 1 क्रॉस 4। और इस कोड को आप जैसे ही रन कराओगे यू आर गेटिंग अ 2D लिस्ट विच इज एक्चुअली अ मेट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल जहां पे आप नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली देर इज नो लिमिट, यू कैन डू 3D नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, 4D भी कर सकते हो, 5D भी कर सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट
टेंसर्स जो आप मशीन लर्निंग में आगे पढ़ोगे, कितने भी डायमेंशन का टेंसर आप बना सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रहा है सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड से। ठीक है, चलो एक लास्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा कि अपने पास दो सेट्स हैं या दो लिस्ट हैं, और हमें क्या करना है, पहले इस वन को उठाना है, उसको फाइव से मल्टीप्लाई करना है, फिर सिक्स से करना है, फिर सेवन से करना है, फिर एट से करना है, फिर हम टू को उठाएंगे, फिर उसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिक्स से करेंगे, फिर सेवन से करेंगे, फिर एट से करेंगे, और ऐसा हम थ्री और फोर के लिए भी करेंगे। तो ये पहली बार आप एक ऐसा कॉम्प्रिहेंशन देखोगे जहां पे हम दो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को एक साथ लगाएंगे। ठीक है ना, देखो एक बार कैसे। आप क्या करने वाले हो, आप करने वाले हो आई क्रॉस जे फॉर आई इन L1 फॉर जे इन L2, और ये रहा आपका आउटपुट, दिस इज द आउटपुट, यू कैन गो थ्रू इट। हमने वही किया है, पहले वन को पकड़ा, उसको फाइव से किया, सिक्स से किया, सेवन से किया, एट से किया। ठीक है, उसके बाद फिर टू को पकड़ा और उसको फिर मल्टीप्लाई किया, फिर थ्री को पकड़ा और फिर फोर को पकड़ा। ठीक है, और यहां पर आपने दो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन साथ में लगा करके एक नया लिस्ट बनाया। तो ऑल इन ऑल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज अ वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, और अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो पीछे जाके देखना। बाकी आपकी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग कल आपको टास्क में काफी सारे क्वेश्चंस देंगे, एक बार कर लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में किसी को डाउट है तो पूछना। यार नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लो, मैं आपको पाइथन ट्यूटर में करके दिखा देता हूं, देख लेना एक बार। अगर नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कंफ्यूजन हो रहा है तो आपका दोस्त है पाइथन ट्यूटर, मैंने आपको बोला स्पेशली जो लोग बिगिनर्स हो, हर कोड को जाके रन करके देख लो। ठीक है, रन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके बाद जे का वैल्यू पहले डिसाइड हो रहा है। ठीक है, जे का वैल्यू वन से स्टार्ट हुआ क्योंकि वो बाहर वाला है। फिर जे के लिए आई का पहला वैल्यू बन रहा है, दैट इज वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। ठीक है, और ये रहा आपका फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्या होगा, अब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। देखो जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, अब जे के वैल्यू जो इंक्रीमेंट हुआ है उसके लिए फिर से आई का वैल्यू वन टू थ्री हुआ। ठीक है, और ये है सेकेंड रो ऑफ द मैट्रिक्स। फिर आप आगे बढ़े, जे का वैल्यू थ्री के लिए फिर से आई का वैल्यू वन टू थ्री, और ये है आपका थर्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स। सो बेसिकली आप बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, एक बार चला के देखो, अपने जो भी आपने देखा उसको आप नोट डाउन करो, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर यार हम हैं, डोंट वरी। चलो बाकी क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। यूजर इनपुट लिस्ट ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, करेंगे अभी एक बार। यार गाइस लेट मी सी द टाइम, अरे इट्स ऑलरेडी 21:42। गाइस आप क्वेश्चन जो पूछ रहे हो हमारे टीम वाले आंसर कर लेंगे। हम लोग मीन वाइल जल्दी से जो बाकी बची चीजें आज की सेशन में वो हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, टू वेज टू ट्रैवर्स अ लिस्ट। ठीक है, सो जब आप लूप चलाते हो लिस्ट के ऊपर तो दो तरीके होते हैं लूप चलाने के। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं। पहला तरीका होता है आइटम वाइज लूप चलाना और दूसरा होता है इंडेक्स वाइज लूप चलाना। ठीक है, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूं, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। सो हम पहले देख रहे हैं कि आप आइटम वाइज लूप कैसे चलाते हो। सो आइटम वाइज लूप आपने अभी तक जो भी चलाया है वो आइटम वाइज ही था। लेट मी शो यू, आप बेसिकली क्या करते हो, एक लूप चलाते हो लाइक दिस, फॉर आई इन एल प्रिंट आई। तो अभी क्या हो रहा है, आपका जो लूप है वो आइटम बाय आइटम चल रहा है, और हर बार आई का जो वैल्यू है वो एक आइटम है। पहली बार लूप चला तो आई का वैल्यू इज वन, दूसरी बार लूप चला तो आई का वैल्यू इज टू, फिर थ्री, फिर फोर। इसको बोलते हैं आइटम वाइज लूप चलाना।
इसका एक दूसरा अप्रोच भी होता है जो आपको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ज्यादा दिखाई देता है, पाइथन में थोड़ा कम दिखाई देता है, और वो होता है इंडेक्स वाइज लूप चलाना। लेट मी शो यू। सो सेम लिस्ट है, 1, 2, 3, 4। इस बार देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फॉर आई इन द रेंज ऑफ, इन द रेंज ऑफ 0 से लेके लेंथ ऑफ एल। ठीक है, अब देखो ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेके लेंथ ऑफ एल। लेंथ ऑफ एल क्या है, 4, तो मतलब 0 से लेके 3 तक चलेगा, 0, 1, 2 और 3 के लिए। और यहां पर जब आप प्रिंट करोगे आई को, तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 0, 1, 2, 3। बाय द वे ये लिस्ट के आइटम्स नहीं है, 0, 1, 2, 3 आर एक्चुअली इंडेक्स पोजिशंस। सो 0 क्या है, 1 का इंडेक्स पोजिशन, 1 क्या है, 2 का इंडेक्स पोजीशन, 2 क्या है, 3 का इंडेक्स पोजीशन, और 3 क्या है, 4 का इंडेक्स पोजीशन। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप इंडेक्स पोजीशंस प्रिंट करा रहे हो, ना कि आइटम्स। बट अगर आप आइटम्स को प्रिंट कराना चाहो तो फिर आप सिंपली ये लिख सकते हो, एल स्क्वायर ब्रैकेट आई। तो आप जैसे ही एल का आई रखो तो आई में पहली बार 0 आएगा, तो एल का 0 क्या होता है, एल का 0 होगा पहला आइटम, फिर एल का 1 आएगा, एल का 1 क्या है, दूसरा आइटम, फिर एल का 2 क्या है, तीसरा आइटम, और फिर एल का 4 क्या है, दिस इज द आउटपुट। देख रहे हो, यही दो अप्रोचेज होते हैं लूप चलाने के, या तो आप आइटम को पकड़ के लूप चला दो, या फिर आप इंडेक्स को पकड़ के लूप चलाओ। अब कब कौन सा चलाना है ये प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको जब क्वेश्चंस दूंगा और डाउट क्लियरेंस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, आप नोटिस करोगे कि कुछ प्रॉब्लम्स में हम आइटम वाइज चलाएंगे और फिर कुछ प्रॉब्लम्स में हमारी मजबूरी की वजह से हम लोग इंडेक्स वाइज चलाएंगे, बिकॉज देर इज नो प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो जो लोग जावा सी बैकग्राउंड से आ रहे होंगे उनको पता होगा यही तरीका होता है वहां पे लूप चलाने का। ये तो इन्होंने नया पाइथन में सीखा है, पाइथन आपको ये कन्वीनियंस दे रहा है, बाकी लैंग्वेजेस नहीं देते। ठीक है, तो आपको दोनों आना चाहिए और कब कौन सा यूज करना है ये पता होना चाहिए, वो आप प्रैक्टिस करके सीख जाओगे। इस वाले में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। लैम्डा फंक्शन आगे का टॉपिक है, मान के चलो हम लोग परसों पढ़ेंगे, परसों नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, अभी आज का टॉपिक नहीं है वो। जब हम हायर ऑर्डर फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम लैम्डा फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बता दो गाइस, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो सही है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स करने हैं। लास्ट टॉपिक है जिप फंक्शन। जिप फंक्शन ये कभी कभी आपको दिखाई देगा तो आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल बट पावरफुल चीज है, ध्यान से पढ़ो। द जिप फंक्शन रिटर्न्स अ जिप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है, विच इज एन आइटरेटर ऑफ टपल्स, वेयर द फर्स्ट आइटम इन ईच पास्ड आइटरेटर इज पेयर्ड टूगेदर एंड देन द सेकेंड आइटम इन ईच पास्ड आइटरेटर आर पेयर्ड टूगेदर। इफ द पास्ड आइटरेटर्स हैव डिफरेंट लेंथ्स, द आइटरेटर विद द लीस्ट आइटम डिसाइड्स द लेंथ ऑफ द न्यू आइटरेटर। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जहां भी आइटरेटर है उसको आप लिस्ट से रिप्लेस कर सकते हो। बेसिक फंडा ये है कि मान लो किसी ने आपको ये क्वेश्चन करने को दिया कि आपके पास दो लिस्ट है और आपको इससे एक थर्ड लिस्ट बनाना है, लेट्स कॉल इट L3। और L3 क्या होगा कि वो L1 और L2 से बनेगा। कैसे बनेगा, कि आप पहले आइटम L1 को उठाओगे और L2 में ऐड कर दोगे, दैट विल बी द फर्स्ट आइटम ऑफ L3। फिर आप सेकेंड आइटम ऑफ L1 उठाओगे और उसको सेकेंड आइटम ऑफ L2 में ऐड कर दोगे, दैट वुड बिकम द सेकेंड आइटम ऑफ L3। सो बेसिकली आपको क्या करना है, इंडेक्स पकड़ के आइटम वाइज एडिशन करना है, पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले का तीसरे वाले के साथ। ठीक है, ये आपको करना है। अब यही करने में आपको कौन हेल्प करता है, जिप हेल्प करता है, क्योंकि अगर आप लिखो जिप ऑफ L1, L2 तो क्या होगा, आपको मिलता है एक जिप ऑब्जेक्ट जिसको अगर आप चाहो तो लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और आप जैसी लिस्ट में कन्वर्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या बना है, यू कैन सी दिस इज द जिप ऑब्जेक्ट। सो हुआ क्या, इसने दोनों लिस्ट को पकड़ा और उनके एक एक आइटम को पकड़ा और उनके पेयर्स बना दिए। ठीक है, तो उसने इसका पहला पकड़ा, इसका पहला पकड़ा और उसको एक टपल में डाल दिया, फिर इसका दूसरा पकड़ा, इसका भी दूसरा पकड़ा और उसको भी टपल में बना डाल दिया, और ऐसा करके उसने चार टपल्स फॉर्म कर दिए। बट अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ,
बट थोड़ा हम लोग सॉल्व करने के पास पहुंच गए। देखो हम क्या करेंगे, अब हम ये कोड लिखेंगे, हम लिखेंगे आई प्लस जे फॉर आई कॉमा जे इन जिप ऑफ L1 कॉमा L2, दिस इज द कोड एंड दिस इज द आउटपुट। सो हमने क्या किया, हमने जैसे ही जिप किया तो वो जिप ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें सब कुछ पेयर में आ गया, और हमने हर पेयर से IJ निकाल लिया, पहला बंदा दूसरा बंदा, पहला बंदा दूसरा बंदा, और उन दोनों को ऐड कर दिया यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, और हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, तो जिप का यही काम होता है। फ्यूचर में हो सकता है कभी कभी आपको आइटम वाइज इंडेक्स वाइज पकड़ पकड़ के आइटम्स को ऐड करना पड़े या कोई और ऑपरेशन लगाना पड़े, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट यू गेट द आइडिया, दिस इज जिप। ठीक है, किसी को जिप में प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ राज ने सही काम किया, रिमाइंड करा दिया कि ऊपर मैंने आपको एक चीज रिमाइंड करने को बोला था, कैन कंटेन एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। गुड, मेरे को लग ही रहा था मैं भूलूंगा। चलो गाइज, डू यू रिमेंबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, जस्ट वन सेकेंड, ऊपर जा रहे हैं और ऊपर। हाँ मैंने आपको बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने काफी चीजें आपको बताई थी, बट इसमें लास्ट चीज मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की थी। वहां पे लिखा हुआ था कैन कंटेन एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन, और मैंने बोला था ये मुझे याद दिलाना। चलो मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या मतलब है। सो पाइथन का लिस्ट इज सो फ्लेक्सिबल इट कैन एक्चुअली स्टोर एनी काइंड ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक लाइन आप फ्यूचर में बहुत सुनोगे कि पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है, हर चीज पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या फ्यूचर में सुनोगे जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे। अब यहां पे आप बस ये सीखने वाले हो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो एक लिस्ट के अंदर। लेट मी शो यू, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं जिसमें ध्यान से देखो मैं क्या ऐड कर रहा हूं, वन टू प्रिंट, नॉट प्रिंट फंक्शन को कॉल करना, सिर्फ प्रिंट टाइप अगेन एक फंक्शन है, इनपुट अगेन एक फंक्शन है। ठीक है, और ये देखो मैं प्रिंट कर रहा हूं एल को, कोई एरर थ्रो नहीं होगा, देख रहे हो, पहला आइटम वन है, दूसरा आइटम टू है, और ये तीसरा आइटम क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट, उसके बाद क्लास टाइप एक ऑब्जेक्ट है ये, उसके बाद ये कुछ और अलग टाइप का मेथड है। बट कैन यू सी, मतलब ये कितना वियर्ड है, स्पेशली इफ यू आर अ बिगनर, दैट यू कैन एक्चुअली स्टोर अ बिल्ट इन फंक्शन इनसाइड अ लिस्ट। यू कैन, फ्यूचर में जब आप ओपी पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां पे आप क्लासेस बनाते हो, आप उन क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। फ्यूचर में हम लोग एक दो क्लास के बाद हम लोग कुछ खुद के फंक्शंस बनाएंगे, आप उन फंक्शंस को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। दैट द पाइथन लिस्ट कैन एक्चुअली स्टोर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज प्रेजेंट इन पाइथन। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था बहुत वियर्ड लगा था, बट दैट इज द ट्रू पावर ऑफ पाइथन कि आप इस तरह की वियर्ड चीजें भी कर सकते हो। पाइथन गिव्स यू दिस फ्रीडम, दिस इंडिपेंडेंस टू एक्सप्रेस योर लॉजिक और जो भी आप सोच रहे हो। ठीक है, तो ये था इसका मतलब। बाकी आपको कंफ्यूज करना मेरा गोल नहीं था, बट अगर समझ में आया तो बताओ। यू कैन एक्चुअली स्टोर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ये अभी नहीं भी समझ में आया, गोइंग फॉरवर्ड यू वुड गेट अ लॉट ऑफ सिमिलर स्टफ जहां पे हम इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, कृष्णा इज सेइंग कांट वी जस्ट प्रिंट L1 प्लस L2 रादर देन यूजिंग जिप फंक्शन। नहीं कृष्णा, एक बार करके देखो, आप दोनों का आइटम वाइज एडिशन थोड़ी ना कर पाओगे। सौरभ इज सेइंग एप्लीकेशन फॉर स्टोरिंग दीज फंक्शंस इन फंक्शन। हाँ सही क्वेश्चन पूछा आपने। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड को एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बता सकता, बट गोइंग फॉरवर्ड आई वुड शो यू सम एग्जाम्पल जहाँ पे हम अपनी खुद की क्लासेस बनाएंगे और उनके ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेंगे। पाइथन बस आपको ये फ्रीडम दे रहा है, आपको कभी ना कभी अगर कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हो वहां पे काम आ सकता है। अगेन ओपी में आपको ज्यादा समझ में आएगा, फिलहाल मुझे बस आपको दिखाना था कि कुछ ऐसा वियर्ड चीज होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। चलो लेट्स क्विकली डिस्कस सम डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। ठीक है, बहुत पाइथन लिस्ट, नॉट पाइथन, पाइथन के लिस्ट का कुछ डिसएडवांटेज जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि स्लो होता है, कंपेयर्ड
क्लियरली जो काम आप सी जावा के एरे में लेट्स से एक्स सेकेंड्स में करोगे, पाइथन सेम काम को करने में एक्स सेकेंड से ज्यादा लगाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ईट्स अप मोर मेमोरी। अगेन मैंने आपको बताया ज्यादा मेमोरी लेता है पाइथन का लिस्ट इन कंपैरिजन टू दोज एरेज, और ये सब दोनों चीजों का मैंने आपको रीजन भी समझा दिया। थर्ड है रिस्की यूसेज, ठीक है, ये एक पॉइंट जल्दी से आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सो पाइथन का जो लिस्ट है ना वो थोड़ा रिस्की है यूज करने में, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना कि क्या गड़बड़ हो सकती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो आपने लिखा ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और फिर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बी इज इक्वल टू ए, मैंने प्रिंट किया ए को, मैंने प्रिंट किया बी को, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा ए डॉट अपेंड 4, और फिर मैंने प्रिंट किया ए को, और मैंने फिर प्रिंट किया बी को। ध्यान से देखना क्या हुआ। सो ये रहा ए, हमने बी बना लिया और हमने ए और बी दोनों को प्रिंट कर दिया। ये देखो ए और बी दोनों प्रिंट हो गए। फिर मैंने क्या किया, ए में चेंजेस किए, ए में 4 अपेंड किया और प्रिंट किया ए को। बट जब मैंने बी को प्रिंट किया ना तो बी में भी चेंजेस हो गए, जबकि मैंने बी में कोई चेंजेस किए ही नहीं थे। और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है। दोनों जब आपने बी इज इक्वल टू ए किया ना तो दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करने लग गए सेम लिस्ट के ऊपर। तो जब उस लिस्ट में चेंजेस किए आपने ए के थ्रू, बी में भी सेम चेंजेस दिखने लग गए। दैट इज द रीजन ये कोड में एरर आया। अब आप मुझे बताओ आज की क्लास के बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, व्हाट वुड यू चेंज सो दैट आपको आंसर मिल जाए सही, मतलब ए में चेंजेस करने पे बी में चेंजेस ना हो। इस कोड में ऐसा क्या चेंज करोगे? एग्जैक्टली, यू वुड चेंज द कॉपी फंक्शन। सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, ए डॉट कॉपी करोगे टू कॉपी, और इसको जैसे आप रन करोगे ये रहा, दिस इज द आउटपुट गाइस, यू हैव टू यूज कॉपी। सो बेसिकली मेरे को ये बताना था कि डर है, गड़बड़ होने का डर है, बिकॉज इट इज म्यूटेबल, गड़बड़ हो सकता है। एंड इफ यू डोंट नो दीज कॉन्सेप्ट, कई बार गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो इंटर्न्स वगैरह लोग बहुत गलती करते हैं कोडिंग में, कुछ ऐसा कर देते हैं, फिर बोलते हैं यार बी में तो कुछ लिखा ही नहीं, बी में चेंजेस कैसे हो गए, और फिर माथा खुजलाते हैं, ठीक है। तो विद दैट हमने लिस्ट कंप्लीट कर लिया, और अब बचे हैं कुछ प्रोग्राम्स, बट छोड़ दो, मैं कल क्या करूँगा, एक सप्लीमेंट्री वीडियो बना के डाल दूंगा। कुछ 5 6 प्रोग्राम्स हैं और बस एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे हो गए, 2 घंटे के बाद फिर थोड़ा टायरिंग लगता है प्रोग्राम्स वगैरह करना। बट जो भी है, आज हमने काफ़ी डिटेल में लिस्ट पढ़ा है। आई रियली फील एक जगह पे आपको इतना सब कुछ लिस्ट में नहीं मिलेगा देखने को। आई हैव मेड श्योर कि कुछ भी ना बचे, कुछ डीपर कॉन्सेप्ट्स बचे हैं वो हम लोग इंटरव्यू वाले सेशन में कर लेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कुछ भी बचा है। हमने मेमोरी लेवल पे कैसे स्टोर होता है वो डिस्कस किया, फिर सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर हमने डिलीशन एडिटिंग एडिंग सब कुछ किया, फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया। सो वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब आप मुझे दो चीज़ें बताओ, पहला इफ यू हैव एनी डाउट, और दूसरा सेशन कैसा लगा, डिड यू लाइक इट? यस इप्सिता, स्ट्रिंग्स का भी सिमिलर है। इस वीकेंड हम जब इंटरव्यू वाला सेशन करेंगे ना, वहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन कराऊंगा कि लिस्ट कैसे स्टोर होता है और स्ट्रिंग्स कैसे स्टोर होते हैं, डोंट वरी। ओके, तो अब जिनको भी डाउट नहीं है तो आप लोग जाओ खाना वाना खाओ, कल मिलते हैं, और कल आपको सुबह टास्क मिल जाएगा तो टास्क भी कर लेना, तो उसके बाद फिर आपको लिस्ट में कोई परेशानी नहीं होगी। और जो पेड मेंबर्स हैं उनको इंटरव्यू वाले में हम लोग थोड़ा और डीपर जाएंगे, तो थोड़ा और आपको नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये नोटबुक आपके साथ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उठा लो, इसमें काफ़ी अच्छे से हमने डॉक्यूमेंट कर लिया सब कुछ,
और या नितेश इज सेइंग सैटरडे की टाइमिंग का कुछ करिए। नितेश वो रात में होगा, 8 बजे रात में होगा, चेंज कर दिया मैंने, बोला था ना अगले वीक से सैटरडे रात में ही होगा, रात में ही करेंगे। वरुण आई शेयर अ वीडियो, डोंट वरी। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम कुछ भी होगा तो आप कल के सेशन में भी डाउट पूछ सकते हो, आप गूगल फॉर्म में भी डाउट पूछ सकते हो, डोंट वरी। मतलब इतना लोड मत लो, और जो आगे के क्वेश्चंस है वो एक्चुअली बहुत सिंपल है, उसमें आपको डाउट्स होंगे भी नहीं। मैंने बस ऐसे ही रखे थे कि बस थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता, बट लेट्स ट्राई टू स्टे विद इन 10 PM वाला लिमिट। बाकी अगर कुछ भी एक्सीड करेगा तो मैं आपके साथ एक रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर दूंगा। करण नहीं, सैटरडे को इस बार हम लोग एक ही क्लास ले रहे हैं। आपको टास्क के सॉल्यूशन में रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ इस बार, एंड अगेन आई विल टेक अ फीडबैक, जो भी आपको पसंद होगा अगले बार फिर से चेंज करेंगे, विल सी। सूर्या आई जस्ट एक्सप्लेन्ड वो वाला जो आपने बोला ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो दिखाया कि आपने लिस्ट के अंदर प्रिंट को भी स्टोर कर लिया, इनपुट को भी स्टोर कर लिया, टाइप को भी स्टोर कर लिया, वही था। सागर सिंह, पोर्टफोलियो लिंक कहाँ सेंड करना है? उसी वीडियो के कमेंट में डालो ना, आई विल गो एंड चेक, मुझे दिखते हैं सारे कमेंट्स। प्रियेश इज सेइंग सर वन ऑन वन इंटरव्यू पे नीड टू बी वर्क। तो प्रियेश, हम लोग अगले महीने से जब अपनी वेबसाइट पे मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह का कुछ फीचर ऐड कर सकते हैं जहाँ पे हम मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करा पाएं। ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी पेड, मतलब ऐसे नहीं हो पाएगा, अलग से थोड़े पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, क्योंकि क्योंकि फिर इतने पैसों में तो सभी आ जाएंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। हितेश इज सेइंग मंकी पैचिंग क्या होता है? चलो इसको ऐड कर लेते हैं इंटरव्यू वाले सेशन में, वहां पे पढ़ा देंगे। इप्सिता, गिट भी पढ़ाना है, डोंट वरी, वो गोइंग फॉरवर्ड हम आपको किसी एक सेशन में पढ़ाएंगे, थर्सडे या फ्राइडे किसी एक सेशन में गिट और गिटहब दोनों पढ़ाएंगे, डोंट वरी। कार्तिक, नहीं हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। नितेश, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पीपीटी इज ऑलरेडी शेयर्ड। ओ शेयर नहीं है क्या? ठीक है मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। अगर नहीं है, अगर एक बार आप जाके चेक कर लेना, जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर नहीं होगा तो मैं ऐड कर दूंगा। शिवम, हाँ यार बिल्कुल पॉसिबल है, लोग तो कर रहे हैं पूरे टाइम। कार्तिक, नहीं राइट टू लेफ्ट जाते हैं, आप एक बार चला के देखो ना पाइथन ट्यूटर में। प्रियेश, डेकोरेटर पढ़ाएंगे? नहीं यार डेकोरेटर डायरेक्टली तो नहीं पढ़ाएंगे, बट आई विल शेयर अ वीडियो विथ यू गाइस। डेकोरेटर टू बी ऑनेस्ट बहुत डायरेक्टली डेटा साइंस से रिलेटेड नहीं है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो इसमें सेशन लेने का जरूरत नहीं है, बट आई वुड शेयर अ वीडियो सून। मृगांक, अमेजोन सेज मेकर इज अ टूल जहाँ पे आप जिसको यूज करके यू कैन डिप्लॉय मशीन लर्निंग मॉडल्स, आगे पढ़ेंगे ये सब। हाँ जिसने भी पूछा था नितेश, वो पीपीटी है डिस्क्रिप्शन में, देख लो आप। अभिषेक, एक बार चेक करो वीडियो का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में तो है, मेरी टीम वाले तो बोल रहे हैं। प्रियेश, अब यार ये तो पता है कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट अगर आप पूरा पाइथन पढ़ने जाओगे ना इतना डीप में घुस के तो बहुत टाइम चला जाएगा उसमें, वही है ना हम लोग पूरा पाइथन नहीं पढ़ सकते, हमें फिर डेटा साइंस की तरफ मूव करना है, तो जितना रिक्वायर्ड है मतलब डेटा साइंस में काम करने के लिए उतना सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, और उसके अलावा वी विल प्रोवाइड यू रिसोर्सेज, पढ़ लेना, मेरा ही वीडियो रहेगा, वीडियो देख के आ जाएगा समझ में, और डाउट होगा तो आप पूछ ही सकते हो। हाँ ललित, वी विल डू वन क्लास एंड इस बार हम लोग टास्क का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे एंड विल टेक फीडबैक कौन सा आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि सैटरडे को दो क्लासेस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैंने लेके देखा बहुत हेक्टिक था एंड दिमाग खराब हो गया था। सैयद सर, लिस्ट में हेलो कैसे लिखेंगे का क्या मतलब हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। सर आई फील कुछ सेशन होना चाहिए फॉर एक्सपीरियंस पीपल, जस्ट समझ नहीं आ रहा था दैट इवन एक्सपीरियंस पीपल आर आस्क टू प्रोग्राम और बेस। हाँ सी, वो हमारा प्रॉब्लम है, मतलब वी कैन नॉट डू दैट राइट नाउ बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज, बट ट्रस्ट मी विद इन 2-3 वीक्स वी विल
बी देयर जहाँ पे आपको डिफिकल्ट चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मतलब ये पहला 2-3 वीक है जहाँ पे जिन लोगों को आता है उनको काइंड ऑफ रिविजन मिल रहा है, बट 2-3 वीक्स के बाद ट्रस्ट मी वी विल डू थिंग्स जो आपके लिए भी नया होगा, तो फिर उतना वैसा नहीं लगेगा। हाँ मनीष, टास्क का सोल्यूशन आई विल रिकॉर्ड बाय टुमारो। हर्षल, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए एमएल, देखो कुछ कंपनीज के लिए इट इज इनफ, कुछ कंपनीज नहीं पूछती हैं, फिर कुछ कंपनीज पूछ भी लेती हैं। तो मतलब अगर आप हर कंपनी के लिए रेडी होना चाहते हो तो यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर डीएल एनएलपी, अदरवाइज एमएल इज काइंड ऑफ इनफ। शिवोहम, जो भी डाउट है तुम्हारा ये वाला पोर्टफोलियो वाला, एक बार फॉर्म में भर देना, मैं कल फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूँ। ओके ठीक है फिर गाइस, चलो फिर कल मिलते हैं, और अगर आपका डाउट अभी नहीं हो पाया सॉल्व तो कल सुबह जो मैं फॉर्म फिल करूँगा उसमें आप लोग शेयर कर देना अपना डाउट, हम लोग उसको आंसर कर देंगे। टुमारो आई विल शेयर दीज प्रोग्राम्स और इनका सोल्यूशन, काइंड ऑफ एक सप्लीमेंट्री छोटा सा वीडियो होगा 10 मिनट का बस, वो देख लेना और फिर कल का टास्क करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। ओके चलो फिर गाइस कल मिलते हैं। अभिषेक, नेक्स्ट मंथ से वी आर मूविंग टू जूम ना, तो वहां पर फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो ओके, आई विल क्लोज द सेशन। ओके मैं थोड़ा स्पीडली बोलता हूँ, तो ठीक है कल से आई विल ट्राई टू स्पीक स्लोली, थैंक्स फॉर द फीडबैक, थोड़ा धीरे बोलूंगा मैं। अरे मेन द थिंग इज कि 2 घंटे में आई हैव टू मेक श्योर चीज़ें कवर हो, दैट इज वाई, बट ठीक है, आई कैन ऑलवेज स्पीक स्लोली, आई विल डू दैट। ओके चलो फिर आई विल क्लोज द सेशन, कल मिलते हैं गाइस, टेक केयर एंड हैव डिनर।